गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से आ जाइए आप लोग। गौरव कुमार, तन्मय, ऋचा शुक्ला, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? एक बार कंफर्म करेंगे, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? गुड इवनिंग बालकेश मौर्य, शिवम सिंह, प्रवीण मिश्रा, शालू वर्मा, कनक, मोशिना खान, ज्योति प्रजापति, गोपाल, सभी को गुड इवनिंग। प्लीज कंफर्म, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? ओके ओके ओके। देखिए पीडीएफ हमने पहले अपलोड कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग गायब हो जाइए। अभी 300 लोग बस देख रहे हैं, और अगर हमको लगेगा कि ये पीडीएफ लेने के बाद सब गायब हो रहे हैं, तो फिर पीडीएफ हम पहले नहीं देंगे। ठीक है, पीडीएफ हम पहले नहीं देंगे। ओके, तो इसलिए आप लोग इस कंटिन्यूटी को बनाए रखिए, लाइव क्लास अटेंड जरूर करिए। ठीक है, इससे पीडीएफ सामने रख के और एक बार लाइव क्लास पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसलिए प्लीज़ पीडीएफ के चक्कर में भागने की कोशिश मत करिए। ठीक है, अभिषेक सिंह, मनीष कुमार, शिवम त्रिपाठी, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाइए आप लोग, जल्दी से आ जाइए, और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक सेकंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सही है शिवम सिंह, आई एम फाइन। आज हम लोग टॉपिक सेकंड स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोगों को पीडीएफ ऑलरेडी आपको मिल चुका है, और इसके बाद एक बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया हमने इसको। आप कह सकते हैं कि जो आपकी प्लांट किंगडम है ना, उसका एक निचोड़, 25% का निचोड़ हमने यहाँ पे रख दिया है। तो अगर आप इसे बहुत अच्छे से देखते हैं, समझते हैं फ्लो चार्ट के सहारे, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। क्या आपको ये फिर से समस्या आ रही है क्या? थोड़ा सा एक्चुअली बोर्ड में थोड़ी दिक्कत चल रही है, इसको हम जल्दी सही कराते हैं। ठीक है, बोर्ड में थोड़ी दिक्कत चल रही है, इसको कल तक सही कराते हैं। आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। आवाज, साउंड ठीक है? साउंड ठीक है? एक मिनट, आई एम चेकिंग इट। अभी क्लियर है क्या साउंड? अभी क्लियर है? एक बार बताइए प्लीज़। थोड़ा सब कुछ सेट हो जाने दीजिए, आप लोग परेशान मत होइए। साउंड क्लियर है कि नहीं? साउंड क्लियर है? वॉइस नॉट क्लियर? वॉइस ओके? यस ओके ओके। स्टार्ट करें। देखिए थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस हो गई थी, उसके लिए रियली सॉरी, और आगे से कल सारी चीज़ें हम रिपेयर करा देंगे, आपका सिस्टम भी और माइक भी दूसरी ले लेंगे। तो इसलिए 2-3 दिन जो ये प्रॉब्लम है ना, उसको आप लोग बहुत बड़ा मत समझिएगा, ये सारी चीज़ें हम सही करा देंगे 2-3 दिन में, क्योंकि हम थे भी नहीं। और उसके बाद अभी जो डिस्टर्बेंस हुई है, उसके लिए थोड़ा सा खेद है हमें। आगे से सारी चीज़ें एकदम सही हो जाएंगी। ठीक है ओके। चलिए, ये जो आज हम लोग को फंजाई टॉपिक, हमने आज टॉपिक में डाला हुआ है कि फंजाई करना है, लेकिन फंजाई से हम लोग प्लांट किंगडम स्टार्ट कर देंगे। तो प्लांट किंगडम में कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी आते हैं जिसको पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और अगर आपने इसे एक फ्लो चार्ट से इसको अच्छे से पढ़ लोगे, तो शायद आने वाले टाइम में जो भी हम एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पढ़ाएंगे, उसमें आपको बहुत आसानी रहेगी। और आप समझ लीजिए, आज का जो नोट है वहाँ से 2 क्वेश्चन आपको फंस जाते हैं, 2 क्वेश्चन आपको आराम से आ जाते हैं। वाइश की प्रॉब्लम, 1 मिनट हमें चेक करने दीजिए।
भाई क्लियर है अभी, वॉइस क्लियर है? एक बार बताइए ज़रा, एक बार थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। क्लास स्टार्ट करनी है, क्लास स्टार्ट करनी है, एक बार वॉइस के बारे में बताइए। क्लियर क्लियर, चलिए ठीक ठीक है, थोड़ा मैनेज करिए, थोड़ा मैनेज करिए, थोड़ा मैनेज करिए, आगे से सब, कल से सब सही हो जाएगा, ठीक है? ओके ओके, चलिए चलिए चलिए। हाँ बिल्कुल कनक जी, आप लोग इतना इम्पेशेंस मत हुआ करिए, हम आप ही के लिए यहाँ पे खड़े हैं, वैसे हम एक मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अब आप लोग चलिए देखिए, चलिए आइए फटाफट फटाफट देखते हैं हम लोग। तो हमने प्लांट क्लासिफिकेशन को अपने हिसाब से, पूरा जितना भी आपका प्लांट किंगडम है उसमें जो जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है उसको हमने अपने हिसाब से एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, और इस फ्लो चार्ट को एकदम बारीकी से समझना है, ठीक है? इस फ्लो चार्ट को एकदम बारीकी से समझना है, और इसके बाद जो है ना आप किसी भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लांट क्लासिफिकेशन को हमने एक तरीके से क्लासिफाई किया है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स फंजाई पढ़ने से पहले हम प्लांट का क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो फंजाई में भी आते हैं। हालांकि फंजाई एक अलग किंगडम है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो फंजाई में भी आते हैं, तो इसलिए जो है, इसलिए हम लोग पहले एक छोटा सा हम लोग प्लांट क्लासिफिकेशन को एक नए सिरे से देखते हैं और एकदम अच्छे से समझेंगे इसके बारे में। देखिए प्लांट्स को हम लोग दो तरीके, दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। प्लीज आपके पास पीडीएफ, देखिए पीडीएफ आपको पहले अपलोड कर दिया गया था, आप पीडीएफ अपने पास रखिए, उसमें अंडरलाइन करिए चीजें, एकदम अच्छे से समझिए, एट द एंड ऑफ क्लास आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, दैट्स ऑल, नथिंग टू डू, कोई जरूरत नहीं है आपको ज्यादा कुछ करने की, ठीक है? तो चलिए देखिए प्लांट्स दो तरीके के होते हैं, एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जिसको हम क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, क्रिप्टो का मतलब ही होता है हिडन, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, तो नॉन फ्लावरिंग जिसमें फ्लावर्स नहीं बनते, और दूसरा है फ्लावरिंग प्लांट्स जिसको हम फेनरोगैम्स कहते हैं, क्या कहते हैं? फेनरोगैम्स कहते हैं, फेनरोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स ध्यान से समझिएगा इसको। अब देखिए क्रिप्टोगैम्स में क्या आते हैं, क्रिप्टोगैम्स को भी हमने दो तरीके से क्लासिफाई किया है, कुछ ऐसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिसमें एम्ब्रियो नहीं बनता और जिसमें एम्ब्रियो बनता है, वेरी वेरी आईएमपी, जिसमें एम्ब्रियो नहीं बनता उसको थैलोफाइटा कहते हैं, और जिसमें एम्ब्रियो बनता है उसको एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं, ठीक है? जिसमें एम्ब्रियो नहीं बनता उसको क्या कहते हैं? थैलोफाइटा, और जिसमें एम्ब्रियो बनता है उसको एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं। तो बहुत बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहला एम्ब्रियोफाइटा कौन है, तो ध्यान से देखिएगा इसको, ध्यान से समझिए, पहले हम थैलोफाइटा को ही क्लासिफाई कर लेते हैं। थैलोफाइटा, एक्चुअली थैलोफाइटा का मतलब दूसरा होता है, उसको हम आगे डिस्कशन करेंगे, थैलोफाइटा का मतलब दूसरा होता है, उसको हम आगे डिस्कशन करेंगे, बस आप यहाँ पे अभी जो जितना समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए। जैसे इसमें भी एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो ये ऑटोट्रॉपिक है, अपना फूड खुद बनाता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और फंजाई भी थैलोफाइटा ही है, ये हेटरोट्रॉपिक होता है, हेटरोट्रॉपिक का मतलब आपको पता है फंजाई अपना फूड खुद नहीं बना सकता क्योंकि ये नॉन क्लोरोफिलस होता है। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो 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 क्रिप्टोगैम्स हैं उसको दो तरीके से क्लासिफाई किया, नो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो प्रेजेंट, नो एम्ब्रियो में हमने एल्गी और फंजाई लगा दिया। ध्यान से समझिएगा, एल्गी और फंजाई में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, क्यों नहीं होता? इसका एक रीजन है, इसका एक रीजन है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही जाइगोट बना, जाइगोट 2n होता है, आपको पता है जाइगोट 2n होता है, और जाइगोट ही आगे चल के एम्ब्रियो बनाता है, ठीक? लेकिन लेकिन एल्गी और फंजाई में, एल्गी और फंजाई में जाइगोटिक मियोसिस होता है। मियोसिस कहाँ होता है? जाइगोट में होता है। जाइगोटिक मियोसिस होते होने की वजह से जाइगोट बनने बनते से ही मियोसिस हो जाता है और स्पोर बन जाता है,
तो ये एकदम यहाँ से ये बात साफ है कि जायगोट एम्ब्रियो क्यों नहीं बनाता, क्योंकि जायगोट में मियोसिस हो जाता है, और जब जायगोट में मियोसिस हो जाएगा तो एम्ब्रियो ना बन के स्पोर्स बन जाता है। इसलिए एल्गी और फंजाई में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे जायगोटिक मियोसिस होते हैं। अब देखिए दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज आपको एम्ब्रियो फाइटा कौन कौन है। एम्ब्रियो फाइटा का मतलब जहां पे एम्ब्रियो बनते हैं, तो एम्ब्रियो फाइटा को भी हमने दो तरीके से क्लासिफाई किया है। एम्ब्रियो फाइटा को दो तरीके से क्लासिफाई किया है, नो वेस्कुलर बंडल और वेस्कुलर बंडल। ऐसे एम्ब्रियो फाइटा जिसमें वेस्कुलर बंडल नहीं होते, और ऐसे एम्ब्रियो फाइटा जिसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। तो याद रखना, किसमें वेस्कुलर बंडल, जिसमें वेस्कुलर बंडल नहीं होते उसको ए ट्रैकियो फाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ए ट्रैकियो फाइटा। ए ट्रैकियो फाइटा का मतलब जहां पे वेस्कुलर बंडल नहीं होता, और वो है ब्रायोफाइट्स। कौन है? ब्रायोफाइट्स। अब सवाल आपसे ये पूछा जाए कि पहला एम्ब्रियो फाइटा कौन है, तो ब्रायोफाइट्स है। पहला एम्ब्रियो फाइटा कौन है, पहली बार किसमें एम्ब्रियो बना, तो आप कहोगे ब्रायोफाइट्स में बना। ठीक है, तो ब्रायोफाइट से लेके आगे तक ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजियो, ये सब एम्ब्रियो फाइटा हैं। तो फर्स्ट एम्ब्रियो फाइटा कौन है? ब्रायोफाइट है। दूसरा एम्ब्रियो फाइटा ऐसा जिसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, जिसको हम ट्रैकियो फाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकियो फाइटा। अब ये जो ट्रैकियो फाइटा है वो कौन है? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट के बाद आगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म भी ट्रैकियोफाइट्स हैं, लेकिन क्योंकि वो फेनरोगैम्स हैं, हमने क्लासिफिकेशन क्रिप्टोगैम्स का किया है, तो वो कैसे हैं? फेनरोगैम्स हैं, आगे उसको देखेंगे। अब देखिए, हमेशा याद रखना, पहला एम्ब्रियोफाइटा ब्रायोफाइट्स, पहला ट्रैकियोफाइटा टेरिडोफाइट्स। ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है। पहला एम्ब्रियोफाइटा कौन है? ब्रायोफाइट। फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा कौन है? टेरिडोफाइट। याद रखना आपको, एल्गी में और फंजाई में एम्ब्रियो क्यों नहीं बनता? क्योंकि वहां पे जायगोटिक मियोसिस होता है। क्या होता है? जायगोटिक मियोसिस। जायगोट बना नहीं कि वहां पे मियोसिस हो गया, तो ऑब्वियसली जायगोट विल नॉट फॉर्म एम्ब्रियो, और जायगोट में मियोसिस होने की वजह से स्पोर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? स्पोर बन जाते हैं। क्या अभी भी वाइज प्रॉब्लम है? क्या अभी भी वाइज प्रॉब्लम है? चलिए, अब फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग फेनरोगेम्स कहते हैं। फेनरोगेम्स में भी दो तरीके के फेनरोगेम्स है, नो फ्रूट्स, फ्रूट्स प्रेजेंट। ऐसे फेनरोगेम जिसमें फ्रूट्स नहीं है, और ऐसे फेनरोगेम्स जिसमें फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं। भाई फ्रूट क्या होता है? फ्रूट क्या होता है? जो ओवरी होती है, ओवरी आगे चल के ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें चेंज हो जाती है? फर्टिलाइजेशन के बाद चेंज हो जाती है फ्रूट में। तो आप कह सकते हो फर्टिलाइज्ड ओवरी ही फ्रूट होती है। ठीक है, आप सबको पता है कि जो जिम्नोस्पर्म है वहां पे फ्रूट नहीं बनता, क्योंकि वहां पे ओवरी नहीं होती। तो ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं फेनरोगैम्स, उसमें फ्रूट किसमें नहीं बनता? जिम्नोस्पर्म में नहीं बनता। फ्रूट किसमें बनता है? एंजियोस्पर्म में बनता है। तो ओवरी किसमें प्रेजेंट नहीं है, तो आप कहेंगे जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं है और एंजियोस्पर्म में ओवरी है, इसलिए एंजियोस्पर्म में फ्रूट बनता है। और ये दोनों भी ट्रैकियोफाइटा हैं, मतलब ये दोनों भी क्या है? ट्रैकियोफाइटा। इसमें वेस्कुलर बंडल है। तो फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा, कुछ पॉइंट्स आप जरूर नोट करते रहिए। फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा। भाई साउंड मैनेज करने लायक नहीं है क्या? फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा ब्रायोफाइट्स है। फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा कौन है? टेरिडोफाइट्स है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रैकियोफाइट्स कौन कौन है, टेरिडोफाइट ऑनवर्ड। टेरिडोफाइट ऑनवर्ड मतलब टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एम्ब्रियोफाइटा कौन है? ब्रायोफाइट ऑनवर्ड। ब्रायोफाइट ऑनवर्ड का मतलब ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? साउंड आ ही कहां रही है? अरे यार, भाई किसको प्रॉब्लम हो रही है साउंड में? थोड़ा सा मैनेज करिए, थोड़ी खरखराहट हो रही है। बार बार बता दिए कि आप अगर हमें बीच बीच में बताते रहेंगे तो फिर तो दिक्कत तो होती रहेगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ध्यान से समझिएगा।
ध्यान से समझिएगा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीड। अब सीड के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, किसका? पूरे प्लांट्स का। पूरे प्लांट्स का क्लासिफिकेशन हम सीड प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है उसके बेसिस पे करेंगे। अब देखिए किसमें सीड प्रेजेंट है, किसमें सीड नहीं प्रेजेंट है। देखिए ध्यान से, दो पार्ट में डिवाइड किया, नॉन स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। नॉन स्पर्मेटोफाइटा का मतलब जिसमें सीड एब्सेंट होते हैं। तो सीड कहां एब्सेंट होते हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, इसमें सीड नहीं बनते, इसमें सीड नहीं बनते। और स्पर्मेटोफाइटा का मतलब जिसमें सीड प्रेजेंट होते हैं, इसमें आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आ जाते हैं। तो ये पॉइंट यहां से क्लियर हो जाना चाहिए, नॉन स्पर्मेटोफाइटा। तो फर्स्ट सीड कहां बना? फर्स्ट सीडेड प्लांट कौन है आपको बताना है? जिम्नोस्पर्म। सीडेड प्लांट्स कौन है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, दोनों सीडेड प्लांट है। स्पर्म का मतलब बॉटनी के अंदर सीड से लिया जाता है। सीड की स्टडी को स्पर्मोलॉजी कहा जाता है, ठीक है? सीड की स्टडी को स्पर्मोलॉजी कहा जाता है। क्लियर है ना यहां तक? तो आपको ये बात एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद चलिए देखिए, उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेशन। यहां सब जगह क्वेश्चन आते हैं, बस आपको इस बात को एकदम अच्छे से समझना है। पॉलिनेशन के बेसिस पे प्लांट को अगर हम क्लासिफाई कर दें, पॉलिनेशन कैसे होता है, तो इस बात को एकदम अच्छे से समझना। पॉलिनेशन दो तरीके से होता है, एक जुइडोगैमस और एक क्या होता है? साइफोनोगैमस। जुइडोगैमस और एक होता है साइफोनोगैमस। जुइडोगैमस का मतलब पॉलिनेशन जो होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, वाटर की हेल्प से। साइफोनोगैमस का मतलब पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। जुइडोगैमस का मतलब वाटर की हेल्प से, वाटर की हेल्प से पॉलिनेशन हो, मेल गैमेट वाटर में डाल दिया जाए, वाटर की हेल्प से पॉलिनेशन हो। साइफोनो का मतलब पॉलिनेशन किससे हो? पॉलन ट्यूब की वजह से। ठीक है, ठीक। अब देखिए जुइडोगैमस में आपके एल्गी, ब्रायो और टेरिडोफाइट्स आते। कौन आते हैं? एल्गी, ब्रायो एंड टेरिडोफाइट्स। साइफोनोगैमस में आपके जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म आते। कौन आते हैं? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म आते हैं। ये बात एकदम अच्छे से याद रखना। लेकिन हमने यहाँ पे एक नोट करके लिखा हुआ है, एक नोट करके लिखा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकस में जुइडोगैमस और साइफोनोगैमस दोनों होता है। ध्यान से हमारी बात को सुनना आप। जुइडोगैमस कहाँ होगा? वाटर की हेल्प से कहाँ होगा? जहां पे मोटाइल मेल गैमेट होते हैं, मेल गैमेट में फ्लैजिला होता है, वहां पे जुइडोगैमस होता है, वो तैर के चले जाते हैं पानी से। लेकिन जहां पे नॉन मोटाइल मेल गैमेट होते हैं, जो मेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, तो वहां पे पोलन ट्यूब की हेल्प से जाते हैं। अब आपको ये बात पता होगी कि साइकस में क्यों जुइडोगैमस होता है और साइफोनोगैमस दोनों होता है। जुइडोगैमस होने का रीजन ये है कि साइकस का मेल गैमेट मोटाइल होता है, एक्सेप्शन है ये। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के मेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन साइकस का मेल गैमेट मोटाइल होता है। ये बात एकदम अच्छे से आपको याद रखना है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए, इसलिए आपसे पूछा जाए कि अगर बताइए ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिसमें जुइडोगैमस और साइफोनोगैमस दोनों तरीके का पॉलिनेशन होता है, तो आप कहेंगे साइकस। क्या बताएंगे? साइकस। वेरी गुड, तुरंत नोट करिए, तुरंत नोट करिए इसको। जुइडोगैमस और साइफोनोगैमस दोनों किस में होता है? साइकस में होता है। ठीक है, क्लियर, क्लियर। चले आगे चले। वेरी गुड, 920 पीपल्स आर वॉचिंग। वेरी गुड, एकदम तुरंत याद होना चाहिए ये चीज। क्लियर है सबको? क्लियर, आगे चले। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम और फ्लोयम। वैस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम और फ्लोयम। अब देखिए ऐसे प्लांट जिसमें वैस्कुलर बंडल नहीं है, अभी बताया था, उसको ए ट्रैकियोफाइटा कहते हैं। जिसमें वैस्कुलर बंडल है उसको ट्रैकियोफाइटा कहते हैं। तो आप बताइए ए ट्रैकियोफाइटा कौन है? एल्गी और ब्रायोफाइट। क्योंकि पहला ट्रैकियोफाइटा तो टेरिडोफाइटा था। टेरिडोफाइटा में सबसे पहले वैस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट हुआ था, वेरी वेरी आईएमपी। फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा कौन है? तो आप बताओगे टेरिडोफाइट है। कौन है? टेरिडोफाइट। और ट्रैकियोफाइटा में कौन आता है? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म।
ट्रैकियोफाइटा में कौन आता है? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ए ट्रैकियोफाइटा में कौन आता है? एल्गी और ब्रायोफाइट। क्लियर है यहां तक? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, चलिए आगे चलिए। क्लियर है ना? चलिए आगे आ जाइए। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आर्किगोनिया, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आर्किगोनिया। यहाँ पे कुछ लोग हमें ये बताने के लिए आ जाते हैं कि कितना बेसिक आता है, कितना कॉम्प्लेक्स आता है। ठीक है, हम ना यहाँ पे खड़े हैं तो जरूर आपसे कुछ ज़्यादा ही हमारे पास कुछ ना कुछ तो नॉलेज ज़्यादा होगी जो हम यहाँ पे खड़े हैं। तो हमें ये बताने की कोशिश बंद करिए कि कहाँ हमको पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ठीक, तो ये बताना हमें बंद करिए प्लीज़। कोई भी हमें ये बताने की कोशिश ना करे कि कितना पढ़ाना है कैसे। हाँ, बस ये बता सकते हो कि ये कंटेंट छूट गया है, इसको बता दीजिए, या कुछ भी। ये मत बताइए कि कितना बेसिक से पढ़ाना है, कितना हाई लेवल से पढ़ाना है। और यही सारी चीज़ें आपको उलझाती हैं। कितने लोगों को, 975 लोग पढ़ रहे हो, इसमें से कितने लोगों को ये सब चीज़ें डाउट क्लियर नहीं करती, ये बताइए। ठीक, चलिए देखिए। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आर्किगोनिया, आर्किगोनिया के बारे में आपको पता है। यहां से देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, जिसमें आर्किगोनिया एब्सेंट होती है उसको हम नॉन आर्किगोनिएट्स कहते हैं, और जिसमें आर्किगोनिया प्रेजेंट होती है ऐसे प्लांट को आर्किगोनिएट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्किगोनिएट्स। तो ध्यान से समझिएगा, नॉन आर्किगोनिएट्स का मतलब आर्किगोनिया एब्सेंट, आर्किगोनिएट्स का मतलब आर्किगोनिया प्रेजेंट। आपसे पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से प्लांट ग्रुप हैं, ऐसे कौन कौन से प्लांट ग्रुप हैं जिसमें आर्किगोनिया एब्सेंट होता है। तो आप हमेशा याद रखना, A4 एक रूल बना दिया है हमने, A4 का मतलब ऐसे करिएगा, एल्गी, ठीक, एक ए फॉर एल्गी, एक ए फॉर एंजियोस्पर्म, ठीक, एक ए फॉर आर्किगोनिया और एक ए फॉर एब्सेंट। मतलब आर्किगोनिया कहाँ कहाँ एब्सेंट होता है? आर्किगोनिया एब्सेंट इन एल्गी एंड एंजियोस्पर्म, आर्किगोनिया एब्सेंट इन एल्गी एंड एंजियोस्पर्म। तो ये हो गया, आपको ये याद रखना है आर्किगोनिया कहाँ कहाँ एब्सेंट होता है। एल्गी और एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया एब्सेंट होता है, एल्गी और एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया एब्सेंट होता है। तो आपसे पूछा जाए आर्किगोनिएट्स कौन है, तो आप बताओगे एल्गी और एंजियोस्पर्म को छोड़ दोगे, क्या बचा? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, बस इन तीन में आर्किगोनिया पाया जाता है, बाकी एल्गी और एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होता है। अब हमें बताइए, यहां से दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट आर्किगोनिएट कौन है, फर्स्ट आर्किगोनिएट कौन है? तो आप कहोगे ब्रायोफाइट इज द फर्स्ट आर्किगोनिएट, पहली बार आर्किगोनिया ब्रायोफाइट में बना। और लास्ट आर्किगोनिएट कौन है, लास्ट आर्किगोनिएट कौन है? जिम्नोस्पर्म इज द लास्ट आर्किगोनिएट, जिम्नोस्पर्म में आखिरी बार आर्किगोनिया बना था, उसके बाद आर्किगोनिया एंजियोस्पर्म में नहीं था, एल्गी में नहीं था। क्लियर यहां तक? क्लियर, इस चीज को एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट आर्किगोनिएट ब्रायोफाइट, लास्ट आर्किगोनिएट जिम्नोस्पर्म। लेकिन जिम्नोस्पर्म का एकदम एडवांस्ड ऑर्डर है नीटेल्स। जिम्नोस्पर्म में एक ऑर्डर आता है नीटेल्स, जिसमें इफेड्रा, वेल्विशिया ये सब आते हैं। नीटम, इफेड्रा, वेल्विशिया, इस ऑर्डर में क्या आते हैं? नीटेल्स ऑर्डर में आते हैं नीटम। ये तीन ही ऑर्गेनिज्म आते हैं, तीन ही प्लांट, नीटम, इफेड्रा, वेल्विशिया, नीटम, इफेड्रा, वेल्विशिया। ठीक, ये ऑर्डर नीटेल्स में आते हैं, जिम्नोस्पर्म के ऑर्डर नीटेल्स में आते हैं। ये जिम्नोस्पर्म का ऐसा ऑर्डर है जिसमें आर्किगोनिया एब्सेंट होता है। तो आपको ये बात एकदम अच्छे से याद रखनी है, ये बात एकदम अच्छे से याद रखनी है कि फर्स्ट आर्किगोनिएट है ब्रायोफाइट, लास्ट आर्किगोनिएट है जिम्नोस्पर्म,
जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनिया है, लेकिन इसका जो सबसे एडवांस ऑर्डर है नीटल्स, जिसमें ये तीन मेंबर आते हैं, इसमें आर्किगोनिया एब्सेंट होता है। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको कहते हैं क्रीम, इस पूरे प्लांट किंगडम का जो क्रीम है ना, वो हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है। इतना आसान नहीं है, ना हम किसी बुक से नोट बनाते हैं, ना हम किसी की नोट से नोट बनाते हैं, हम अपने दिमाग से नोट बनाते हैं। इसलिए प्लीज एकदम अटेंटिव होके क्लास किया करिए। इसमें कितने सारे क्वेश्चन हम आपको अभी सॉल्व करा देंगे, जो कि एकदम आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट आर्किगोनिएट कौन है, तो आप बताओगे कि फर्स्ट आर्किगोनिएट कौन है, ब्रायोफाइट। लास्ट आर्किगोनिएट कौन है, जिम्नोस्पर्म। और सारे के सारे आर्किगोनिएट में कौन आता है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के किस ऑर्डर में आर्किगोनिया एब्सेंट है, नीटल्स ऑर्डर में, GNETALES। और नीटल्स में कितने मेंबर है, नीटल्स में कितने मेंबर हैं, नीटम, इफेड्रा, वेल्विशिया। क्लियर यहां तक सबको, बताइए एक बार फटाफट बताइए, क्लियर है क्या, क्लियर सबको, एकदम सारे क्वेश्चन ए टू जेड सॉल्व होंगे, ठीक, क्लियर, क्लियर। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आइए आगे, अब आगे की कहानी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया का क्लासिफिकेशन करते हैं, एंथ्रीडिया के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं कि सबसे पहले एंथ्रीडिया कहाँ बना था, और किसमें एंथ्रीडिया है और किसमें एंथ्रीडिया नहीं है, ठीक है। अब देखिए, एंथ्रीडिया प्रेजेंट, एंथ्रीडिया एब्सेंट। एंथ्रीडिया कहाँ प्रेजेंट है, एंथ्रीडिया एल्गी से प्रेजेंट है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इन तीन में एंथ्रीडिया प्रेजेंट है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में एंथ्रीडिया एब्सेंट है। आपने आर्किगोनिया क्या देखा था, आर्किगोनिया ब्रायोफाइट से स्टार्ट था और जिम्नोस्पर्म तक था बस, क्लियर। तो जिम्नोस्पर्म वॉज द लास्ट ग्रुप टू हैव आर्किगोनिया, बट इन केस ऑफ एंथ्रीडिया टेरिडोफाइट इज द लास्ट ग्रुप टू हैव एंथ्रीडिया। आप समझिए, फर्स्ट एंथ्रीडिया मतलब पहला प्लांट ग्रुप जिसमें एंथ्रीडिया बना था, तो आप कहोगे एल्गी। लास्ट प्लांट ग्रुप जिसमें एंथ्रीडिया आखिरी बार किसमें देखने को मिला था, टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइट के बाद कहीं एंथ्रीडिया देखने को नहीं मिलेगा, टेरिडोफाइट के बाद कहीं एंथ्रीडिया देखने को नहीं मिलेगा, जबकि आर्किगोनिया जिम्नोस्पर्म तक था। तो आर्किगोनिया ब्रायो से स्टार्ट होकर जिम्नोस्पर्म तक, और एंथ्रीडिया एल्गी से स्टार्ट होकर टेरिडोफाइट तक। क्लियर है यहां तक, क्लियर है बिल्कुल, बताइए क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप बताइए, कहीं ऐसा जिम्नोस्पर्म आपने देखा जिसमें एंथ्रीडिया है, बिल्कुल नहीं। एल्गी में एंथ्रीडिया देखने को मिला हमें, ठीक है, एल्गी में एंथ्रीडिया देखने को मिला, लेकिन जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में एंथ्रीडिया नहीं देखने को मिला। तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट प्लांट ग्रुप जिसमें एंथ्रीडिया है, तो आप कहोगे एल्गी। लास्ट प्लांट ग्रुप जिसमें एंथ्रीडिया है, टेरिडोफाइट, ठीक। फर्स्ट प्लांट ग्रुप जिसमें आर्किगोनिया है, ब्रायोफाइट। लास्ट प्लांट ग्रुप जिसमें आर्किगोनिया है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना, क्लियर, क्लियर, ओके, क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके ओके ओके, वेरी गुड। आगे चले, चलिए देखिए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो, ये तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बेसिस पे, एम्ब्रियो एब्सेंट है, कहां एम्ब्रियो एब्सेंट था, तो आपने कहा एल्गी में। पहला एम्ब्रियोफाइट ब्रायोफाइटा से स्टार्ट था। फंजाई में भी एम्ब्रियो एब्सेंट है, इसका रीजन, एम्ब्रियो तब ना बनेगा जब जाइगोट आगे डिवाइड करेगा, और एल्गी और फंजाई में तो जाइगोटिक मियोसिस हो जाता है, इसलिए वहां एम्ब्रियो बनता नहीं है। और एम्ब्रियो प्रेजेंट कहां है, ब्रायोफाइटा ऑनवर्ड, मतलब ब्रायोफाइट से लेके ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। ब्रायो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, इसमें क्या है, आप कहोगे ये एम्ब्रियोफाइट है। एक और कॉन्सेप्ट हमने बताया, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मियोसिस। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मियोसिस मतलब जाइगोटिक मियोसिस और स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस मतलब जाइगोट में मियोसिस कहां होता है और स्पोर में मियोसिस कहां होता है। तो आप याद रखना, एल्गी और फंजाई में जाइगोटिक मियोसिस होता है,
एल्गी और फंजाई में जाइगोटिक मियोसिस होता है, और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, शायद ये कट गया, इसमें स्पोरिक मियोसिस होता है। क्या होता है? स्पोरिक मियोसिस होता है। दीक्षा शर्मा एप्लीकेशन पर बिल्कुल होगी कल से क्लास, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट अभी एडमिशन ले नहीं पाए, और वो बार बार रिक्वेस्ट, आज चलने वाली थी एप्लीकेशन पे, लेकिन वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लाइव सेशन हमारा छूटने ना पाए, बस कल तक, इसलिए आज और मे बी कल तक, बस इसके बाद में, आज और मे बी कल तक ये सेशन आपका यूट्यूब पे चलेगा, और इसके बाद एप्लीकेशन पर ही चलेंगी, ठीक है ना? आप परेशान मत होइए, प्लीज़ ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आप पढ़ाई करिए, ओके? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? आगे चलिए। अब देखिए, हम एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाले हैं, उस कॉन्सेप्ट को आप एकदम ध्यान से समझना, जब भी कभी हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ते हैं, तो जहां कहीं भी गैमेटोफाइटिक जनरेशन की बात होती है, प्लांट किंगडम में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती है, एक जनरेशन हैप्लॉइड होती है, दूसरी जनरेशन डिप्लॉइड होती है, तो जो हैप्लॉइड जनरेशन होती है उसको गैमेटोफिटिक जनरेशन कहते हैं, और जो डिप्लॉइड जनरेशन होती है उसको स्पोरोफिटिक जनरेशन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? जो हैप्लॉइड जनरेशन, मतलब जितने भी हैप्लॉइड स्टेज होंगे, चाहे वो गैमेट हो चाहे वो स्पोर हो, ठीक है, जितने भी हैप्लॉइड स्टेज होंगे उसको हम गैमेटोफाइटिक जनरेशन कहते हैं, जितने डिप्लॉइड स्टेजेस होते हैं उसको हम स्पोरोफाइटिक जनरेशन कहते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट अपना डेवलप करना है आपको, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके डेवलप होंगे तभी आप प्लांट किंगडम के सारे सारे टॉपिक अच्छे से कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट डेवलप करिए। लिटरली 1000 पीपल वॉचिंग एंड लाइक्स आर ओनली 467, लाइक्स आपके केवल 467 है, ठीक है, तो प्लीज इस बात का थोड़ा सा ख्याल रख लीजिए। बाकी आगे देखिए, हमने क्या बताया आपको कि अब देखिए ध्यान से समझना, जैसे जैसे हम एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे गैमेटोफाइट स्टेज छोटा होता जाता है और स्पोरोफाइट स्टेज बढ़ता जाता है। प्लीज डेवलप दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टिपिकल होता है लेकिन आप डेवलप कर लेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एल्गी है, ठीक है, एल्गी में जो गैमेटोफाइट स्टेज, मतलब हैप्लॉइड स्टेज वाली जितनी अवस्था होती है वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इसके मोस्ट ऑफ स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होते हैं, केवल जाइगोट इसमें डिप्लॉइड होता है। तो जब हम एल्गी से एंजियोस्पर्म तक जाते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वैसे वैसे क्या होता है, जो गैमेटोफाइट है, मतलब एन वाला स्टेज, वो छोटा होता जाता है, 2N वाला स्टेज ज्यादा होता जाता है, ठीक है, एन वाला स्टेज छोटा होता जाता है और 2N बढ़ता जाता है, मतलब डिप्लॉइड स्टेज बढ़ता जाता है। ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। तो अगर, और सेम वही कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे हम एल्गी से एंजियोस्पर्म तक जाते हैं, एन वाला स्टेज छोटा होता जाता है, 2N वाला स्टेज बढ़ता जाता है, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट गैमेटोफाइट किसका है, लॉन्गेस्ट गैमेटोफिटिक स्टेज किसकी है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा गैमेटोफिटिक स्टेज एल्गी का होता है और सबसे स्मॉलेस्ट गैमेटोफाइट किसका है, एंजियोस्पर्म का है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, हम एल्गी से एंजियोस्पर्म तक जाएंगे तो ये छोटा होता जाएगा ना गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड स्टेज कम होती जाएगी, तो सबसे बड़ा हैप्लॉइड स्टेज किसमें है, सबसे बड़ा गैमेटोफाइट किसका होता है, एल्गी का, और सबसे छोटा एंजियोस्पर्म का, ठीक, ठीक है, क्लियर। और इसी तरीके से हमने कहा, जो जैसे जैसे हम एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ जाएंगे, स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉइड स्टेज बढ़ती जाती है। तो एल्गी में हो सकता है एक जगह डिप्लॉइड स्टेज हो, ब्रायोफाइट में 2 जगह हो, टेरिडोफाइटा में 3 जगह हो, जिम्नोस्पर्म में 4, एंजियोस्पर्म में बहुत ज्यादा डिप्लॉइड स्टेज हो। तो बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लॉन्गेस्ट स्पोरोफाइट किसका है, तो आप कहोगे सबसे बड़ा स्पोरोफाइट एंजियोस्पर्म का है, सबसे छोटा स्पोरोफाइट किसका है, एल्गी का है, सबसे छोटा स्पोरोफाइट किसका है, एल्गी का है। तो एल्गी का गैमेटोफाइट सबसे बड़ा और स्पोरोफाइट स्टेज सबसे छोटा होगा, एंजियोस्पर्म का स्पोरोफाइट स्टेज सबसे बड़ा और गैमेटोफाइट स्टेज सबसे छोटा होगा। इस कॉन्सेप्ट को अपने से एक बार पढ़ना,
पीडीएफ आपके पास होगा, क्लास एंड होगी, अपने से एक बार पढ़ना, एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। तो कभी आपसे कोई पूछे कि ऐसा प्लांट ग्रुप जिसमें गैमेटोफिटिक स्टेज सबसे बड़ी होती है, तो आप कहोगे एल्गी। ऐसा प्लांट ग्रुप जिसमें स्पोरोफिटिक अवस्था सबसे बड़ी होती है, एंजियोस्पर्म। ऐसा प्लांट ग्रुप जिसमें गैमेटोफिटिक स्टेज सबसे छोटी होती है, एंजियोस्पर्म। ऐसा प्लांट ग्रुप जिसमें स्पोरोफिटिक स्टेज सबसे छोटी होती है, एल्गी। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से डेवलप करना है, क्लियर। किसी को एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अब चलिए देखिए, ये जो हमने बनाया है ये चार्ट एकदम लाइफ सेविंग है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये चार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेल गैमिट, मतलब किस प्लांट ग्रुप में मेल गैमिट कैसा कैसा होता है, तो आप इसको समझिए। पहले देखिए, मेल गैमिट दो तरीके के होते हैं, मोटाइल, ठीक, मोटाइल, इसको अभी रहने दीजिए, और नॉन मोटाइल। मेल गैमिट मोटाइल हो और नॉन मोटाइल हो, तो देखिए कहां पे है मोटाइल। मोटाइल में भी बाईफ्लैजिलेटेड हो और मल्टीफ्लैजिलेटेड हो। बाईफ्लैजिलेटेड का मतलब दो फ्लैजिला हो, मल्टीफ्लैजिलेटेड का मतलब बहुत सारे फ्लैजिला हो। प्लीज बी अटेंटिव, यहां से क्वेश्चन फिक्स होते हैं, एकदम अच्छे से समझिए। बाईफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट किस में होते हैं? एल्गी में होते हैं और ब्रायोफाइट्स में होते हैं, एल्गी में और ब्रायोफाइट्स में। लेकिन आप याद रखना, एल्गी में भी एक ऐसी एल्गी है स्पायरोगायरा, एक ग्रीन एल्गी है, जिसमें नॉन मोटाइल मेल गैमेट होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल मेल गैमेट होते हैं। वेरी वेरी IMP, याद रखना, वेरी वेरी IMP, ठीक। तो बताइए, बाईफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट कहाँ होते हैं? एल्गी के और ब्रायोफाइट के। और किस एल्गी में नॉन मोटाइल मेल गैमेट होते हैं? स्पायरोगायरा। मल्टीफ्लैजिलेटेड कहाँ होते हैं? टेरिडोफाइटा में, मतलब बहुत सारे मल्टीफ्लैजिलेटेड कह लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है टेरिडोफाइटा का मेल गैमिट कैसा होता है? मल्टीफ्लैजिलेटेड होता है, एक्सेप्शन। वेरी वेरी IMP, ये जो एक्सेप्शन बताने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन जो बताने वाले हैं टेरिडोफाइटा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेरिडोफाइटा के मेल गैमिट मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं, एक्सेप्शन है उसका सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। इसका एक्सेप्शन है सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, इसके मेल गैमिट बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा है जिसका मेल गैमिट बाईफ्लैजिलेट होता है, क्योंकि टेरिडोफाइटा का मेल गैमिट मल्टीफ्लैजिलेट होता है। लेकिन ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा है जिसका मेल गैमिट बाईफ्लैजिलेटेड होता है? योर आंसर मस्ट बी सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। क्लियर यहां तक? सब लोग जल्दी से बताइए, क्लियर है यहां तक? तो बाईफ्लैजिलेटेड, सुजीत कुमार आप एक बात बता दें, आप लोग इतना बेकार की बातें यहाँ पे करते हो, पढ़ाई करने आए हो ना भाई। देखिए, आप हमें ऐसे वैसे टीचर बिल्कुल मत समझिए कि आप बकवास करते रहोगे और हम यहाँ पे टॉलरेट कर लेंगे। प्लीज, अगर एक बार आप इस चैनल से ब्लॉक हो गए तो फिर कभी भी दोबारा नहीं आओगे। फिर आईडी चेंज करोगे, फिर बकवास करोगे, फिर ब्लॉक होगे, फिर आईडी चेंज करके आओगे, फिर ब्लॉक होगे। समझ आ रहा है? चुपचाप पढ़ाई करिए, कोई बातचीत नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नाच गाना कूद करके हम नहीं पढ़ा पाएंगे, हमें सीरियसली पढ़ाना है। आपको सीरियसली पढ़ना है तो यहाँ रुको, अदरवाइज यू कैन लीव दिस चैनल। अब देखिए, यहाँ पे हमने क्या बताया, बाईफ्लैजिलेटेड में एल्गी और ब्रायोफाइट है, मल्टीफ्लैजिलेटेड मेल गैमिट किसका होता है भाई? टेरिडोफाइटा का होता है। उसका एक्सेप्शन आपसे पूछा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, इसका एक्सेप्शन कौन है? सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। क्लियर? तो ये तो मोटाइल मेल गैमिट की कहानी थी।
ये मोटाइल मेल गैमेट की कहानी थी। अब हम आते हैं नॉन मोटाइल मेल गैमेट पे। नॉन मोटाइल मेल गैमेट का मतलब ऐसे प्लांट ग्रुप जिसमें मेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, वो आता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। लेकिन एक क्वेश्चन आपका यहाँ से फंस जाता है, हमने जो एक्सेप्शन करके लिखा है ना, वहीं से क्वेश्चन फंसते हैं। क्योंकि देखिए क्वेश्चन कहाँ से फंसते हैं, जहाँ पे डिफरेंसेस हो, जहाँ पे एक्सेप्शंस हो, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया कि नॉन मोटाइल मेल गैमेट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के होते हैं, ठीक, लेकिन ऐसा जिम्नोस्पर्म जिसके मेल गैमेट मोटाइल होते हैं वो है साइकस और गिंको। साइकस और गिंको दो ऐसे जिम्नोस्पर्म हैं जिनके मेल गैमेट मोटाइल होते हैं। और आपको याद रखना है, आपको याद रखना है, साइकस का मेल गैमेट टॉप शेप्ड होता है। कैसा होता है? टॉप से लट्टू के आकार का होता है, लट्टू के आकार का होता है, मल्टीसिलिएटेड होता है और प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा होता है। साइकस का मेल गैमेट टॉप शेप्ड होता है, मल्टीसिलिएटेड होता है और प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है नॉन मोटाइल मेल गैमेट कहाँ पे है, नॉन मोटाइल मेल गैमेट कहाँ पे है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। लेकिन साइकस का मेल गैमेट, साइकस और गिंको का मेल गैमेट मोटाइल होता है। साइकस का मेल गैमेट टॉप शेप्ड होता है, लट्टू के आकार का और प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा होता है। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? क्लियर? आगे चलें। ऐसी कौन सी एल्गी है जिसका मेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है? योर आंसर मस्ट बी स्पाइरोगायरा। योर आंसर मस्ट बी स्पाइरोगायरा। इसीलिए तो स्पाइरोगायरा में स्क्लेरी फॉर्म कॉन्जुगेशन, ये सारे कॉन्जुगेशन होते हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक। दो थैलस आपस में आ जाते हैं, स्पाइरोगायरा में कॉन्जुगेशन जैसी प्रोसेस होती है, क्योंकि इसका मेल गैमेट मोटाइल नहीं होता, मेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं। तो एल्गी और ब्रायोफाइटा के मेल गैमेट बाईफ्लैजिलेटेड, टेरिडोफाइटा के मेल गैमेट मल्टीफ्लैजिलेटेड, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में भी सिलेजनेला और लाइकोपोडियम के मेल गैमेट बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के मेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, उसमें साइकस और गिंको है जिसका मेल गैमेट मोटाइल होता है। क्लियर है ना यहां तक? कभी नहीं भूलेगा। सुजीत कुमार, वंस अगेन आई एम वार्निंग यू, डोंट आस्क अबाउट पीडीएफ इफ यू आर पेड स्टूडेंट। आपको ऑलरेडी पीडीएफ मिल गया है, अगर आप पेड स्टूडेंट नहीं है तो पीडीएफ हम यहाँ कहाँ से डाउनलोड कहाँ करेंगे, ठीक है। अब एकदम एक बार दोबारा मत पूछिएगा ये बात, पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड। और एक बात हम अपने स्टूडेंट से भी कह दे रहे हैं, पीडीएफ 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 चिल्लाते चिल्लाते आप लोग सुबह से शाम कर देते हो। अब भाई पीडीएफ लिखेंगे फिर अपलोड करेंगे ना, और अगर पीडीएफ, पूरी कोशिश रहेगी कि पीडीएफ पहले अपलोड हो जाए। अगर पीडीएफ नहीं भी अपलोड हुआ तो क्या ये मैनेजेबल नहीं है? बाद में नहीं मैनेज किया जा सकता है? इतना परेशान होते हो आप लोग, थोड़ा कभी कभार मैनेज कर लिया करिए। मैनेज हो सकता है, जो चीज़ें उसे मैनेज करने की कोशिश करिए। हम पूरी कोशिश करते हैं आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आइए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्स। प्लांट ग्रुप को हम स्पोर के बेसिस पे क्लासीफाई कर देते हैं। प्लांट ग्रुप को हम स्पोर के बेसिस पे क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक। अब देखिए स्पोर क्या है, होमोस्पोरस, होमोस्पोरस, ठीक, होमो प्लस हेट्रोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस, होमोस्पोरस, होमो प्लस हेट्रोस्पोरस और हेट्रो, मतलब ऐसे प्लांट ग्रुप जिसमें वन काइंड ऑफ स्पोर मिलते हैं, एक ही तरीके के स्पोर मिलते हैं, और ऐसे प्लांट ग्रुप जिसमें दो तरह, जो होमोस्पोरी भी शो करते हैं, मतलब एक ही तरीके के स्पोर, और हेट्रोस्पोरी भी शो करते हैं दो तरीके के स्पोर, एक माइक्रोस्पोर और एक मेगा स्पोर, ठीक। हेट्रोस्पोरी का मतलब दो तरीके के स्पोर, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर, क्लियर। और हेट्रोस्पोरस का मतलब, हेट्रोस्पोरस का मतलब जहाँ पे क्या है, जहाँ पे आपको दो तरीके के स्पोर मिलते हैं। तो देखिए ध्यान समझिए इस बात को, होमोस्पोरस का मतलब केवल एक तरीके के स्पोर कहाँ बनते हैं, तो एल्गी और ब्रायोफाइटा में ये एक ही तरीके के स्पोर बनते हैं, जिसको हम होमोस्पोरस टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोस्पोरस। टेरिडोफाइटा एक ऐसा ग्रुप है जिसके कुछ मेंबर होमोस्पोरी भी शो करते हैं, कुछ मेंबर हेट्रोस्पोरी भी शो करते हैं, तो टेरिडोफाइटा बीच में आ गया।
जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ऐसे ग्रुप है जो हमेशा बस और बस हेट्रोस्पोरी शो करते हैं, मतलब इसमें हमेशा दो तरीके के स्पोर बनते हैं। कितने स्पोर बनते हैं? दो तरीके के स्पोर बनते हैं। ठीक, क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको याद रखना है, टेरिडोफाइटा को बीच में रख दीजिए, मतलब टेरिडोफाइटा होमोस्पोरी और हेट्रोस्पोरी दोनों शो करता है, उसके पहले एल्गी और ब्रायोफाइटा केवल होमोस्पोरी शो करते हैं, उसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म केवल हेट्रोस्पोरी शो करते हैं। बताइए ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? ये पॉइंट क्लियर हुआ? किसी ने अभी हमसे कहा, मैम आप बहुत गुस्सा करती हैं। अरे भाई, हम आपके मन से नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है ना? और हमें पता है कि हम बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद हैं, क्योंकि हम उनकी तरह उनके उनके जैसा काम नहीं करते, उनके मन का काम नहीं करते, हम अपने मन का काम करते हैं, ठीक है? तो हमें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पढ़िए, आपको अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है? अगर आपको अच्छा लग रहा है, यू आर मोस्ट वेलकम, ओके? तो हमने कहा आप टेरिडोफाइटा को बीच में रखिए, ठीक? टेरिडोफाइटा को आप बीच में रखिए। आप अभी याद करिए कि टेरिडोफाइटा होमो और हेट्रोस्पोरी दोनों शो करते हैं, इसके पहले एल्गी और ब्रायोफाइटा केवल होमोस्पोरी शो करते हैं, इसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये हेट्रोस्पोरी शो करते हैं। क्लियर है ना? क्लियर है यहाँ तक? इसके आगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी तुरंत ये चीज़ याद हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। योर कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो जाएंगे, तो वो चीज़ें आपको एकदम अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक? रटना नहीं पड़ेगा, हर पॉइंट आपको क्लियर रहेगा, ओके? चलिए, ओके, क्लियर है ना? चलिए आइए, अब देखिए बहुत ध्यान से समझिए। एक एक छोटी छोटी बात हम आपको बताना चाहते हैं, एक एक छोटी छोटी बात बताना चाहते हैं, और हम बायोलॉजी को आपको रटवाना नहीं चाहते हैं, बायोलॉजी को एकदम एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन। अब समझिए, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन, यहीं से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो उठाइए। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब जिस दिन पूरा सॉल्व करेंगे, इस लेक्चर से, हमारे इस लेक्चर से आपको 5 से 6 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। और अभी हम बता रहे हैं आपको, देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड होता है, सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड होता है। मल्टीसेलुलर मतलब कई सेल का बना, और जैकेटेड का मतलब वहां पे एक जैकेट लेयर प्रेजेंट होती है। तो सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड किस में होता है? एल्गी में। वेरी वेरी आईएमपी, याद रखना, एल्गी का सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, कैरा। तुरंत नोट करेंगे आप, ये क्वेश्चन तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। कैरा एक ग्रीन एल्गी है, कैरा एक ग्रीन एल्गी है, इसको स्टोन वॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोन वॉल्ट कहते हैं, आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो कैरा एक ऐसी ग्रीन एल्गी है जिसके सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर जैकेटेड होते हैं, मतलब एक एक्सेप्शन है, याद रखना। सेक्स ऑर्गन यूनिसेलर एंड नॉन जैकेटेड होते हैं एल्गी में, और इसका एक्सेप्शन है कैरा एल्गी जिसके सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलर और जैकेटेड होते हैं। क्लियर? जिसके सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर जैकेटेड। और आपको यही बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, एकदम ध्यान से समझना है। अब देखिए, कैरा एक एल्गी है, तो एल्गी में एंथरीडिया तो होता है, एल्गी में मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? एंथरीडिया। हमने अभी अभी आपसे कहा था, एंथरीडिया एल्गी से स्टार्ट होके टेरिडोफाइट तक था, और आर्किगोनिया ब्रायोफाइट से स्टार्ट होके जिम्नोस्पर्म तक था, ये कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है। तो एल्गी में मेल सेक्स ऑर्गन एंथरीडिया, मेल सेक्स ऑर्गन एंथरीडिया है, और ध्यान से समझिए, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि एल्गी में आर्किगोनिया एब्सेंट है। अभी बताया था A4, आर्किगोनिया एब्सेंट इन एल्गी एंड एंजियोस्पर्म, तो यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनिया होता है। क्या होता है? ऊगोनिया होता है। अब जो कैरा है, ये पहला पॉइंट, इसका सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलर एंड जैकेटेड है, और इसके मेल सेक्स ऑर्गन को ग्लोब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोब्यूल कहते हैं। इसके फीमेल सेक्स ऑर्गन को निक्यूल कहते हैं।
वेरी वेरी आईएमपी, क्या है ये? वेरी वेरी आईएमपी है, ठीक है, वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी, क्लियर यहां तक? क्लियर है सबको? वेरी गुड मोहित कुमार जैन, कह रहा के मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? ग्लोब्यूल, जीएम से याद रखिए, जीएम जीएम, क्योंकि ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल में भी सब वो हो जाते कंफ्यूज, एम फॉर मेल, जी फॉर ग्लोब्यूल, तो याद हो गया जीएम मतलब मेल में ग्लोब्यूल और फीमेल में न्यूक्यूल, क्लियर है ना? यहाँ तक एकदम अच्छे से आपको समझ आना चाहिए। तो हमने बता दिया ये चीज़ आपको कि ये देखिए ये क्या है, यूनिसेलर और नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन एलगी का होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है कैरा, कैरा का सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलर एंड जैकेटेड होता है, ठीक, और कैरा में मेल सेक्स ऑर्गन को ग्लोब्यूल कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को न्यूक्यूल कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को ग्लोब्यूल कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को न्यूक्यूल कहते हैं, क्लियर यहां तक? चलिए, मल्टी सेलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन कहां पाया जाता है? ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, इन सब में मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, लेकिन 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 ब्रायोफाइटा में एंथोसिरोस, एंथोसिरोस में नॉन जैकेटेड, मल्टी सेलर तो है लेकिन नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी, हमेशा याद रखना क्वेश्चंस एक्सेप्शन से ज्यादा पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस डिफरेंसेस से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो जहां पे एक्सेप्शन वहां पे वो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, जहां पे एक्सेप्शन वो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक ठीक, क्लियर है यहां तक? क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड, बताइए क्लियर? आज के बाद भूलेंगे, ब्रायोफाइटा में मल्टी सेलर जैकेटेड है, लेकिन ऐसा कौन सा ब्रायोफाइटा है जिसका सेक्स ऑर्गन नॉन जैकेटेड है, जल्दी बताइए? एंथोसिरोस, वेरी गुड वेरी गुड, एंथोसिरोस को हॉर्नवॉर्ट कहते हैं, हाँ एंथोसिरोस को हॉर्नवॉर्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? हॉर्नवॉर्ट कहते हैं, आगे ब्रायोफाइट में पढ़ाएंगे भी, आप टेंशन मत लीजिए, ब्रायोफाइट में पढ़ाएंगे, ठीक है ना? वेरी गुड, क्लियर, चलिए चलिए आगे देखें, आगे देखें, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू लीफ रूट एंड स्टेम, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू लीफ स्टेम एंड रूट, मतलब ऐसे प्लांट जिनकी बॉडी में द बॉडी ऑफ प्लांट विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू लीफ रूट एंड स्टेम, अब ऐसे प्लांट ग्रुप जिनमें ट्रू लीफ एंड स्टेम पाए भी जाते हैं, कुछ ऐसे प्लांट ग्रुप हैं जिसमें ट्रू लीफ स्टेम नहीं पाए जाते, ठीक, तो ये देखिए अब इसको हमने कैसे क्लासिफाई किया, तो इसको हमने क्लासिफाई किया इफ बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू लीफ रूट एंड स्टेम, अगर बॉडी में ट्रू लीफ रूट एंड स्टेम नहीं होता इसको हम थैलोफाइटा कहते हैं या ए कार्मोफाइट कहते हैं, क्या कहते हैं? ए कार्मोफाइट, ए कार्मोफाइट कहते हैं, तो कार्मोफाइट क्या है? कार्मोफाइट का मतलब बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू लीफ रूट एंड स्टेम, तो कार्मोफाइट कौन है? इसको हम स्पोरोफाइट्स या कार्मोफाइट्स कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्मोफाइट, क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो बताइए जिसमें ट्रू लीफ रूट एंड स्टेम नहीं है वो कौन है? एल्गी और ब्रायोफाइट और फंजाई भी है, थैलोफाइट में हम मान लेते हैं फंजाई भी है, तो एल्गी और ब्रायोफाइट में ट्रू लीफ रूट एंड स्टेम नहीं होता तो फर्स्ट कार्मोफाइट कौन है? फर्स्ट कार्मोफाइट है टेरिडोफाइट, कार्मोफाइट में कौन आते हैं? टेरिडो, जिम्नो, एनजियो, अब आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट प्लांट ग्रुप, फर्स्ट प्लांट ग्रुप हुज बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू लीफ रूट एंड स्टेम, योर आंसर मस्ट बी टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा वाज द फर्स्ट प्लांट ग्रुप जिनकी बॉडी में पहली बार ट्रू रूट लीफ और स्टेम हुआ, ठीक है, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा पहले ऐसे ग्रुप थे जिनकी बॉडी में ट्रू लीफ रूट एंड स्टेम पाया जाता है, तो कार्मोफाइट का मतलब ये हुआ जिनकी बॉडी ट्रू लीफ रूट एंड स्टेम में डिफरेंशिएटेड हो, तो टेरिडोफाइटा, चिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म,
टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट ग्रुप हैं जिनकी बॉडी लीफ, रूट और स्टेम में डिफरेंशिएटेड होती है, जिनकी बॉडी लीफ, रूट और स्टेम में डिफरेंशिएटेड होती है। क्लियर? क्लियर? यहां तक क्लियर है? श्वेता जायसवाल भाई, हमारा कौन सा, हमारा जो हौसला है उसको तो बुलंद रहने दीजिए। क्या क्रैश कोर्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा भाई? हम तो कोशिश तो कर रहे हैं, हो जाना चाहिए और हो जाएगा। ठीक, चलिए, यहां तक क्लियर है सबको? चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये पूरा हमने 5 पेज तक जो आपको पढ़ाया उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट, अभी हम आपको बता दें हमने आपको क्या बताया। हमने आपको बताया कि क्रिप्टोगैम्स कौन होते हैं, फेनरोगैम्स कौन होते हैं। तो क्रिप्टोगैम्स में आपके आ जाते हैं एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिड। फेनरोगैम्स का मतलब जहां पे फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें आ जाते हैं आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फर्स्ट, अब दे फर्स्ट प्लांट ग्रुप, फर्स्ट प्लांट ग्रुप जहां पे सबसे पहली बार एम्ब्रियो बना था, तो ब्रायोफाइटा। पहला प्लांट ग्रुप जहां पे सबसे पहली बार वैस्कुलर बंडल बना था, तो टेरिडोफाइटा। पहला प्लांट ग्रुप जहां पे सबसे पहली बार सीड बना था, तो जिम्नोस्पर्म। क्लियर है ना? उसके बाद हमने आपको बताया जुइडोगैमस, मतलब अगर पॉलिनेशन वाटर की हेल्प से हो तो उसको हम जुइडोगैमस कहते हैं। पॉलिनेशन अगर पोलन ट्यूब की हेल्प से हो तो उसको हम साइफोनोगैमस कहते हैं। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जुइडोगैमस में आया, और उसके बाद जिम्नो, एनजियो, साइफोनोगैमस में आया। लेकिन साइकस, जिम्नो में भी साइकस जो है वो जुइडो और साइफोनोगैमस दोनों तरीके का पॉलिनेशन शो करता है। ट्रैकियोफाइटा और ए ट्रैकियोफाइटा आपको बता दिया, एल्गी और ब्रायोफाइट, ए ट्रैकियोफाइटा, इसमें कोई वस्कुलर बंडल नहीं है। और ये टेरिडो, जिम्नो और एनजियो ट्रैकियोफाइटा हैं, इसमें वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद देखिए आर्किगोनिया, आर्किगोनिया भाई हम बहुत तेज चिल्ला रहे हैं, ऑल दो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, एक्चुअली इतनी ज्यादा भाग दौड़ के बाद हमें फीवर आ गया है, स्टिल आई एम यू कैन से कि बहुत तेज चिल्ला रहे हैं। ठीक है, बहुत तेज चिल्ला रहे हैं। क्लियर है यहां तक? ओके, वेरी गुड। अब बताइए ऐसा प्लांट ग्रुप आर्किगोनिएट्स कौन कौन है, तो आपको याद रखना होगा A4 रूल, याद रखना होगा A4। A4 का मतलब आर्किगोनिया एब्सेंट इन एल्गी एंड एंजियोस्पर्म। तो आर्किगोनिएट्स कौन है? ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो। और जिम्नो में भी, जिम्नो में भी नीटल्स ऑर्डर में आर्किगोनिया एब्सेंट होता है। ठीक, फिर उसके बाद एंथ्रीडिया, सबसे पहली बार एंथ्रीडिया एल्गी में बना और सबसे आखिरी बार टेरिडोफाइटा में बना। सबसे पहली बार एल्गी में बना, सबसे आखिरी बार टेरिडोफाइटा में बना, कौन? एंथ्रीडिया। ठीक है, उसके बाद हमने बताया एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कहाँ है कहाँ नहीं है। मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस और स्पोरिक मियोसिस। एल्गी और फंजाई में जाइगोटिक मियोसिस, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में स्पोरिक मियोसिस होता है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट बताया, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का कॉन्सेप्ट बताया। जैसे जैसे हम एल्गी से ब्रायो, एल्गी से एंजियोस्पर्म मूव करते हैं, गैमेटोफाइट छोटा, स्पोरोफाइट बड़ा होता जाता है। तो इस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि सबसे बड़ा गैमेटोफाइट किसका है, सबसे छोटा गैमेटोफाइट किसका है, सबसे बड़ा स्पोरोफाइट किसका है, सबसे छोटा स्पोरोफाइट किसका है। ठीक, इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेल गैमेट, मेल गैमेट मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं। हमने कहा मोटाइल किसमें है, मोटाइल अगर है तो वो बाईफ्लैजिलेट हो सकते हैं, मल्टीफ्लैजिलेट हो सकते हैं। बाईफ्लैजिलेट एल्गी और ब्रायोफाइट में है, और एल्गी में स्पाइरोगायरा में मेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, ये याद रखना, एक्सेप्शन। मल्टीफ्लैजिलेट टेरिडोफाइटा का है, लेकिन टेरिडोफाइटा में भी सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम, इसमें बाईफ्लैजिलेट है। नॉन मोटाइल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में भी साइकस और गिंको का मेल गैमेट मोटाइल होता है। क्लियर यहां तक? क्लियर। इसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर, स्पोर को हमने कहा टेरिडोफाइटा को बीच में रखिए, बीच में टेरिडोफाइटा, ये होमो और हेट्रोस्पोरी दोनों शो करता है। टेरिडोफाइटा के आगे जिम्नो और एनजियो, ये हेट्रोस्पोरी शो करते हैं। टेरिडोफाइटा के पहले एल्गी और ब्रायो, ये होमोस्पोरी शो करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन यूनिसेलर नॉन जैकेटेड होता है,
एल्गी का, एक्सेप्शन है कैरा। कैरा में मल्टीसेलर जैकेटेड होता है। मल्टीसेलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन किसका होता है? ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का। ब्रायोफाल्टा में भी एंथोसिरोस का सेक्स ऑर्गन नॉन जैकेटेड होता है। क्या होता है? नॉन जैकेटेड होता है। और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। जिनकी बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड होती है उसको कार्मोफाइट कहते हैं। जिनकी बॉडी लीफ, स्टेम, रूट में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है उसको ए कार्मोफाइट कहते हैं। तो कार्मोफाइट में टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आते हैं। तो पहला ग्रुप टेरिडोफाइटा था जिनकी बॉडी ट्रू लीफ, रूट और स्टेम में डिफरेंशिएटेड थी। ए कार्मोफाइट में एल्गी और ब्रायोफाइटा आते हैं। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? किसी को किसी तरीके की परेशानी साउंड को छोड़ के समझ में ना आए या ऐसा कुछ परेशानी है तो बताइए। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, वेरी गुड। अब आगे चलें, आगे चलें। ओके 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 ओके। एवरीथिंग इज फाइन। चलिए अब आगे आते हैं। हम फंजाई के बारे में थोड़ा देखते हैं। प्लीज बी अटेंटिव और एकदम अच्छे से समझिए। बी अटेंटिव और एकदम अच्छे से समझिए। फंजाई का जो हमने यहाँ पे लिखा है उसका जनरल इंट्रोडक्शन और माइक थोड़ा ऊपर, अरे भाई ऊपर कहाँ ले जाएं अब? फंजाई का, अच्छा अभी सुनाई दे रहा है, अभी सुनाई दे रहा है, एकदम मुंह के पास रखे हैं माइक, अभी सुनाई दे रहा है क्या? ये बताइए, एकदम इस तरीके से माइक लेने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? हम ऐसे मैनेज कर लेंगे, ऐसे मैनेज कर लेंगे, ठीक है? एक बार देख लीजिए। चले आगे चलें, थोड़ा थोड़ा आगे चलें। ओके 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 ओके। चलिए देखिए फंजाई में अब हम थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं ऐसे, ठीक है? देखिए थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। माइसिटीज का मतलब होता है मशरूम। माइसिटीज का मतलब क्या होता है? मशरूम। और समझिए इसको, जरा ध्यान से समझिए इसको। इसमें और क्या दिया हुआ है? ये नॉन क्लोरोफिलस है, अभी बताया, इसमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होते, इसलिए ये हेटरोट्रॉप है। हेटरोट्रॉप मतलब ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। ये थैलोफाइटा है क्योंकि इनकी बॉडी रूट, स्टेम, लीफ में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती। ये ए ट्रैकियोफाइटा है क्योंकि यहाँ वस्कुलर बंडल नहीं होता। ये नॉन एम्ब्रियोफाइटा है क्योंकि यहाँ एम्ब्रियो नहीं बनता, क्योंकि यहाँ जाइगोटिक मियोसिस होता है। क्लियर यहाँ तक? बताइए किसी को कोई दिक्कत? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके अब आगे आइए। टर्म किसने दिया था? बोहिन ने दिया था। टर्म किसने दिया था? बोहिन ने। फादर या फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी पीए मिशेली को कहते हैं। किसको कहते हैं? पीए मिशेली को कहते हैं। और उनकी एक बुक है नोआ प्लांटेरम जेनरा। नोआ प्लांटेरम जेनरा पीए मिशेली की बुक है। फादर या फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं इनको। फादर या फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है? क्लियर है यहां तक? ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ दे नोआ प्लांटेरम जेनरा किसकी बुक है तो आपको याद होना चाहिए नोआ प्लांटेरम जेनरा ये पीए मिशेली की बुक है। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी पूछ दिया जाए तो डी बेरी है। कौन है? डी बेरी है। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी पूछ दिया जाए ईजे बटलर है। क्या नाम है इनका? ईजे बटलर। यहां तक तो आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। यहां तक आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। इसके बाद आइए अगला चीज। अब देखिए अगला चीज देखिए। आर्यच विटेकर, आर्यच विटेकर ने फंजाई को मतलब इसको किंगडम फंजाई किसने दिया था?
किंगडम फंजाई किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने, क्योंकि आर.एच. विटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आप सब ने पढ़ा होगा। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में आर.एच. विटेकर ने एक अलग से किंगडम बनाया था, फंजाई। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, एक साइंटिस्ट थे एंसवर्थ, एंसवर्थ ने किंगडम माइकोटा में रखा था फंजाई को, किसमें? किंगडम माइकोटा ने, माइकोटा में। एलेक्सोपोलस एंड मिम्स ने किंगडम माइसिटी में रखा था, किसमें? माइसिटी में रखा था। ये तीन चीज आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, आर.एच. विटेकर किंगडम फंजाई, एंसवर्थ किंगडम माइकोटा, एलेक्सोपोलस एंड मिम्स ने किंगडम माइसिटी। क्लियर है ना यहां तक? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एकदम एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं देखिए ध्यान से, अब आपसे जो सवाल पूछा जाता है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ब्लैक्सली, इसको तुरंत याद करेंगे आप, तुरंत याद करेंगे। ब्लैक्सली एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने फंजाई में हेट्रोथैलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, हेट्रोथैलिज्म। ये हम जब आगे फंजाई पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे व्हाट इज हेट्रोथैलिज्म। तो आपसे डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है पहले उसके बारे में ध्यान देते हैं, हेट्रोथैलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ब्लैक्सली ने दिया था, किस ऑर्गेनिज्म में दिया था, किस फंजाई में दिया था? तो म्यूकर म्यूसीडो में दिया था, किसमें? म्यूकर म्यूसीडो में। ब्लैक्सली ने हेट्रोथैलिज्म का कॉन्सेप्ट म्यूकर म्यूसीडो में दिया था। क्लियर यहां तक? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए पोंटे कार्वो और रोपर्स, पोंटे कार्वो एंड रोपर्स ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने पैरा सेक्सुअलिटी इन फंजाई का कॉन्सेप्ट दिया था, किसमें? एस्परजिलस निडुलेंस फंजाई में, किसमें दिया था? एस्परजिलस निडुलेंस फंजाई में। दो तीन बार इसको पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगा। तो पैरा सेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? पोंटे कार्वो और रोपर्स ने दिया था, एस्परजिलस निडुलेंस फंजाई में दिया था। फंजाई का पूरा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा रहे हैं कि कितने लोग फंजाई की स्टडी से रिलेटेड है या फंजाई में जो भी कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है उन साइंटिस्ट के नाम बता रहे हैं आपको। अब देखिए इसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में आपको, फ्लेमिंग के बारे में आपको पता होगा, पहली एंटीबायोटिक किसने दिया था, किसकी डिस्कवरी की थी? पहली एंटीबायोटिक कौन थी? पेनिसिलिन। क्या थी? पेनिसिलिन, ठीक है। कहां से ऑब्टेन किया गया था? पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई से। फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसको हम लोग वांडर ड्रग भी कहते हैं, वांडर ड्रग, वांडर का मतलब आश्चर्य है ना, क्योंकि इसकी डिस्कवरी अचानक से हुई किसी डिस्कवरी को बायोलॉजी में सरेंडिपिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरेंडिपिटी, ये जिसका मतलब होता है चांस डिस्कवरी, जिसका मतलब क्या होता है? चांस डिस्कवरी का मतलब आप कर रहे हैं कुछ और, डिस्कवर हो जा रहा है कुछ और, ठीक है ना। तो पेनिसिलिन की डिस्कवरी भी एक सरेंडिपिटी थी, अचानक से डिस्कवर हो गया था, जैसे डायनामाइट की डिस्कवरी एक सरेंडिपिटी है ना, तो अचानक से डिस्कवरी हुई थी, इसलिए इसको हम वांडर ड्रग भी कहते हैं, ओके। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और बीडल एंड टॉटम ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने वन जीन वन एंजाइम का कॉन्सेप्ट दिया था, किस फंजाई में? न्यूरोस्पोरा क्रेसा में। किसमें दिया था? न्यूरोस्पोरा क्रेसा में। और न्यूरोस्पोरा क्रेसा एक एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, किसका? एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। इसको पिंक या रेड मोल्ड कहते हैं, इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कहते हैं, क्योंकि एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला पे होते हैं, उसी तरीके से प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट, या हम कहते हैं फंजाई में, या कहते हैं सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किस में होते हैं? न्यूरोस्पोरा पे होते हैं। तो न्यूरोस्पोरा को हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो ये सारे के सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसमें हर एक चीज आपको याद होनी चाहिए, A to Z आपको याद होना चाहिए। इस पेज को हम एक बार फिर से बता रहे हैं, हेट्रोथैलिज्म का कॉन्सेप्ट ब्लैक्सली ने दिया था म्यूकर म्यूसिडो में, पैरासेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था
पेंटोकार्वोरे रोपर्स ने एस्परजिलस न्यूडुलेंस में, उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी पेनिसिलियम नोटेटम में, बीडल एंड टॉटम ने वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट दिया था न्यूरोस्पोरा क्रैसा में, जिसको पिंक या रेड मोल्ड कहते हैं या ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम कहते हैं, और यही न्यूरोस्पोरा क्रैसा एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर सबको, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्लियर। तो एक बार ये पूरा जितना हमने आपको बताया, फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी पी ए माइशेली, नोआ प्लांटेरम जनरा ये इनकी बुक है, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी डी बेरी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी ईजे बटलर, आर एच विटेकर ने खुद किंगडम फंजाई बनाया, एंसवर्थ ने किंगडम माइकोटा के अंदर रखा फंजाई को, एलेक्जोपोलस एंड मिम्स ने किंगडम माइसिटी के अंदर रखा। ठीक है, तो ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, अभी भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझिए। ओके ओके क्लियर। चलिए अब आइए देखिए, जरा ध्यान से देखिए इसको, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केसी मेहता, केसी मेहता वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। केसी मेहता वर्क ऑन रस्ट, किस पे वर्क किया था इन्होंने, रस्ट। रस्ट क्या है, वीट रस्ट पक्सीनिया, पक्सीनिया को रस्ट कहते हैं, तो इन्होंने पक्सीनिया की लाइफ साइकिल को डिस्कवर किया था। तो ऐसा माना जाता है कि ये रस्ट, मतलब माना क्या जाता है, सच है, इनका वर्क रस्ट से रिलेटेड है। जबकि जेसी लूथरा, जेसी लूथरा एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने रिलेटेड विद स्मट, स्मट किसको कहते हैं, अस्टिलागो को कहते हैं, स्मट किसको कहते हैं, अस्टिलागो को कहते हैं, याद रखना, रस्ट पक्सीनिया, स्मट अस्टिलागो, इन्होंने अस्टिलागो को रिमूव या इसका उन्मूलन करने के लिए कुछ टेक्निक डेवलप किया था, किसने, जेसी लूथरा। तो जेसी लूथरा इज रिलेटेड विद स्मट, स्मट इज द अस्टिलागो, केसी मेहता इज रिलेटेड विद द रस्ट, रस्ट इज द पक्सीनिया, रस्ट क्या है, पक्सीनिया, रस्ट क्या है, पक्सीनिया है। और कभी कभी आपसे पूछा जाता है फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट कौन कौन है, तो दस्तूर, बीबी मुंडकर, श्रीनिवासन, मुखर्जी, चौधरी, ये सब क्या है, ये फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट है, फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट है। ठीक, क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, रस्ट इज रिलेटेड विद पक्सीनिया, पक्सीनिया को रस्ट कहते हैं। ओके 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 ओके, चलिए आगे देखें, आगे देखिए, आगे देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट, मतलब फंजाई का डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट क्या है, तो सिंपल सी बात है भाई, फंजाई कॉस्मोपॉलिटन है, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है यूबीक्यूटस, यूबीक्यूटस का मतलब होता है जिनका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड हो, जो पूरा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसको हम कॉस्मोपॉलिटन या यूबीक्यूटस कहते हैं। ये डार्क डैम वार्म प्लेसेस पे होते हैं, आपको पता है जब गर्मी ज्यादा होगी तो फंजाई लग जाते हैं, फंगस ग्रो कर जाते हैं, तो डार्क डैम वार्म प्लेसेस पे होते हैं, इनको वेजिटेटिव वल्चर कहते हैं, या फिर इनको नेचुरल स्कैवेंजर कहते हैं। नेचुरल स्कैवेंजर का मतलब ये सड़ी गली चीजों पर फीड करते हैं, इसलिए इनको वेजिटेटिव वल्चर कहते हैं या नेचुरल स्कैवेंजर कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल स्कैवेंजर कहते हैं। ये लाइन बहुत अच्छे से आपको समझ आनी चाहिए, बहुत अच्छे से ये लाइन अच्छे से समझ आनी चाहिए। अब देखिए फंजाई का कुछ हम हैबिटेट देख लेते हैं, फंजाई का हैबिटेट देख लेते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, एकदम अच्छे से समझिए। हैबिटेट का मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं, तो कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई मोस्टली तो आपके टेरेस्ट्रियल ही है, लेकिन कुछ जो है ना एक्वेटिक हैं, तो एक्वेटिक फंजाई कौन होते हैं, एसाइला, ठीक, सेप्रोलेगनिया जो कि गिल्स में, फिशेस के गिल्स पे होते हैं, मोनोफ्लैबेरिस, ये तीन तो आपको तुरंत याद होना चाहिए, एक्वेटिक फंजाई में एसाइला, सेप्रोलेगनिया, मोनोफ्लैबेरिस, एसाइला, सेप्रोलेगनिया, मोनोफ्लैबेरिस, ये तीन कैसे होते हैं, एक्वेटिक। कोप्रोफिलस, कोप्रो का मतलब ही क्या होता है, कोप्रो का मतलब हो जाता है फीकल मैटर से, किससे, फीकल मैटर से रिलेटेड हो जाता है। तो आपको पता है जैसे कोप्रोफेगी एक प्रोसेस है, कोप्रोफेगी का मतलब होता है जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फीकल मैटर खुद खा जाते हैं उनको कोप्रोफेगी कहते हैं। और आपको पता है रैबिट ऐसा करता है, रैबिट ऐसा करता है क्योंकि उसका जो 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 फीकल मैटर होता है उसमें अनडाइजेस्टेड सेलोज होते हैं,
अनडाइजेस्टेड सेलुलोज होते हैं, उसको दोबारा से डाइजेस्ट करने के लिए वो फीकल मैटर को ईट कर जाता है। तो कोप्रो टर्म इज रिलेटेड विद द फीकल मैटर। फीकल मैटर, आप देखिए कोप्रोफिलस का मतलब ऐसे फंजाई जो डंग पे ग्रो करते हैं, किस पे, गोबर पे ग्रो करते हैं, जैसे म्यूकर। म्यूकर जब हम राइजोपस और म्यूकर का कंपैरिजन पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि इनके माइसीलियम में भी डिफरेंस होता है, इनके माइसीलियम में भी डिफरेंस होता है। तो म्यूकर हो गया, पाइलोबोलस हो गया, ठीक, ये अलग है, ये अलग है, इसको इसमें मत कंसीडर करिएगा। ये म्यूकर हो गया, पाइलोबोलस हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद किरैटिनो, किरैटिन का मतलब किससे हो गया, किरैटिन तो एक प्रोटीन है, वैसे सबसे हार्डेस्ट प्रोटीन होती है, किरैटिन सबसे हार्डेस्ट प्रोटीन होती है, याद रखना किरैटिन इज द हार्डेस्ट प्रोटीन। और इसकी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, किरैटिन एक हार्डेस्ट प्रोटीन होती है, इसकी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, ड्यू टू सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन अमाइनो एसिड, ड्यू टू सिस्टीन अमाइनो एसिड, सिस्टीन अमाइनो एसिड की वजह से किरैटिन सबसे हार्डेस्ट होता है, क्योंकि इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। ठीक, अब बताते हैं आपको किरैटिनोफिलस कहाँ, किसको कहते हैं, क्योंकि किरैटिन प्रोटीन हमारे हेयर्स में, हमारे नेल्स में, इन सब जगहों पे पाई जाती है। तो किरैटिनोफिलस का मतलब होता है जो हेयर पे ग्रो करते हैं। हेयर पे ग्रो करने वाले फंजाई क्राइसोस्पोरियम स्पीसीज होते हैं। कौन होते हैं, क्राइसोस्पोरियम स्पीसीज होते हैं। लिग्नोफिलस मतलब जो कि वुड पे ग्रो करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ड्यूटेरोमाइसिटीज के बहुत सारे ऐसे मेंबर होते हैं जो वुड पे ग्रो होते हैं। ठीक, ओके ओके, वेरी, क्लियर है यहां तक, क्लियर, चलिए, वेरी गुड। अब देखिए ईपीफाइटिक, ईपीफाइटिक, ईपी का मतलब होता है ऊपर, ऊपर मतलब एबव, फाइटिक का मतलब प्लांट, फाइटिक का मतलब प्लांट। तो ऐसे फंजाई जो प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, जैसे आर्मी लैरिया, आर्मी लैरिया, आर्मी लैरिया हम लिख रहे हैं, आप भी एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है, आर्मी लैरिया एक बार ऐसे लिख लीजिएगा। आर्मी लैरिया एक ऐसा फंजाई है जो कि कहाँ ग्रो करता है, एप्पल ट्री पे, ऑन एप्पल ट्री, किस पे, एप्पल ट्री पे ग्रो करता है, और ये रेड रॉट ऑफ एप्पल कॉज करता है, रेड रॉट ऑफ एप्पल, रेड रॉट ऑफ एप्पल, रेड रॉट ऑफ शुगर केन अलग है लेकिन ये अलग है, रेड रॉट ऑफ एप्पल कॉज करता है। तो ऐसे फंजाई जो कि प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं उसको ईपीफाइटिक कहते हैं। इसका एग्जांपल है आर मिलेरिया जो एप्पल ट्री पे पाया जाता है और रेड रॉट ऑफ एप्पल कॉज करता है, क्या कॉज करता है, रेड रॉट ऑफ एप्पल। इसको देखिए, इसको हमने आगे भी कंटिन्यू करेंगे, एक हम यहाँ पे छूट गया था थोड़ा सा हैबिटेट में, इसको हम आगे हम भूल के वो पेज आगे स्कैन हो गया है, तो आगे स्कैन हो गया है, हम इसको फिर से देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे तो पहला क्या था, आप एक बार इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। पहला था एक्वेटिक एसाइला सेप्रोलेग्निया मोनोफ्लेबेरिस, एसाइला सेप्रोलेग्निया मोनोफ्लेबेरिस। और कोप्रोफिलस का मतलब जो कि डंग पे ग्रो करते हैं, जैसे म्यूकर हो गया, पाइलोबोलस हो गया। किरैटिनोफिलस का मतलब जो कि हेयर्स पे ग्रो करते हैं। लिग्नोफिलस का मतलब जो कि वुड पे ग्रो करते हैं। ईपीफाइटिक का मतलब जो ऐसे फंजाई जो प्लांट पे ग्रो करते हैं, जैसे आर्मी लैरिया। अब आते हैं इधर, देखिए ईपीफाइटिक हमने लिखा हुआ है, यहां से कंटिन्यू करिएगा। ईपीफाइटिक का मतलब जो प्लांट पे ग्रो करते हैं, आर्मी लैरिया, एप्पल ट्री, रेड रॉट ऑफ एप्पल कॉज करते हैं, क्या, रेड रॉट ऑफ एप्पल। उसके बाद सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक का मतलब जो किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं। ऐसे फंजाई जो किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं उसको हम सिम्बायोटिक कहते हैं, जैसे लाइकेन और माइकोराइजा, ये दो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका। अब लाइकेन में क्या होता है, लाइकेन में फंजाई के साथ साथ एल्गी प्रेजेंट होता है। फंजाई तो एक मेंबर है ही और एल्गी भी है, ठीक। फंजाई पार्टनर को हम लोग माइकोबायोंट कहते हैं, लाइकेन में माइकोबायोंट और एल्गी को फाइकोबायोंट कहते हैं। आगे पढ़ाएंगे जब हम आपको लाइकेन पढ़ाएंगे। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में फंजाई दो जगह रहता है, एक तो लाइकेन बनाता है और एक माइकोराइजा बनाता है, क्लियर। लाइकेन में एल्गी के साथ रहता है और माइकोराइजा में फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट के बीच एसोसिएशन होता है, फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट के बीच एसोसिएशन होता है, क्लियर, क्लियर, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है,
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दो जगह रहता है, एक तो लाइकेन में और एक माइकोराइजा में. माइकोराइजा इज द ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म है बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स. फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स, क्लियर. इसके बाद आगे आइए पैरासिटिक फंजाई, मतलब जो पैरासाइट हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे इरिसीफे, पाउडरी मिल्ड्यू, ये सब हम आगे पढ़ेंगे. एल्ब्यूगो हो गया, अल्टरनेरिया हो गया. इसके बाद प्रीडेशियस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीडेशियस फंजाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तुरंत नोट करिए. प्रीडेशियस का मतलब ये शिकारी भी है भाई, ये शिकार करते हैं. अब आप सोचिए, प्रीडेशियस मतलब ये क्या करते हैं, ये प्रेडेटर्स की तरह बिहेव करते हैं, ये एनिमल्स को किल करते हैं और फिर उसको मतलब खा जाते हैं. तो एक तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे, प्रीडेशियस का मतलब ये अटैक करते हैं निमेटोडा पे, रोटीफर्स पे, एनिलिडा, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, निमेटोडा, रोटीफर्स और एनिलिडा को ये क्या करते हैं, इनके पास हाइफी प्रेजेंट होते हैं. आपको पता है फंजाई में हाइफा होता है, हाइफा ठीक. और हाइफा के नेटवर्क को कई सारे हाइफा मिलके क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं. तो कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिनके पास हाइफल, ऐसे इनके हाइफा ऐसे बाहर की तरफ निकले रहते हैं, जाल बिछाते एक तरीके से, उसी हाइफा से क्या करते हैं, ये एनिमल को पकड़ के खींच लेते हैं. हाइफल ट्रैप कहते हैं उसको, हाइफल नेयर्स कहते हैं, हाइफल नूज कहते हैं, आगे पढ़ाएंगे. तो ऐसे फंजाई जो एनिमल का शिकार करते हैं उसको प्रेडेशियस कहते हैं. जैसे इसका एग्जाम्पल कौन कौन है, इसका एग्जाम्पल है डेक्टाइलेला, डेक्टाइलेरिया, जूफेगस और आर्थोबॉट्रिस. चार आपको याद होने चाहिए, एकदम जॉम्बी की तरह वर्क कर लेते हैं. विशाल जी बिल्कुल. चलिए, तो ऐसे फंजाई जो शिकार करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रीडेशियस. वो चार अभी आपको याद होना चाहिए, डेक्टाइलेला, डेक्टाइलेरिया, आर्थोबॉट्रिस, जूफेगस. याद हुआ कि नहीं, बताइए. बिल्कुल जल्दी से बताइए. अभी किसी ने हमें नसीहत दिया, मैम एक ही बात को दोबारा रिपीट मत किया करिए, तो हमने देखा उनका मैसेज, हमने जस्ट रिप्लाई नहीं किया. भाई आपको नहीं पता है एक टीचर कैसे पढ़ाता है, अब हम क्या जानबूझ के थोड़े नवाब, ये सब क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है भाई, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. हम जानबूझ के एक बात को चार बार हम नहीं रिपीट करते, वो एक प्रोसेस है. अच्छा हुआ कि आप हमसे पढ़ रहे हो. कुछ टीचर्स एक घंटे में आपको जितना हमने जो दो पेज पढ़ाया था ना, दो पेज में जो कंटेंट दिए ना, कुछ टीचर्स दो पेज के कंटेंट को दो घंटे पढ़ाते हैं. तो प्लीज इतना पेशेंस, मतलब धैर्य के इतने कमजोर मत हो जाइए आप लोग, हमें पढ़ाने दीजिए. अब हमें पढ़ाना हो तो हम भैया बस ऐसे पढ़ा दें, चलिए ठीक है, क्लियर. आगे बता दें, ये देखिए ऐसे ऐसे इसको पढ़ लेना, ठीक है ना, ऐसे तो नहीं पढ़ा पाएंगे. तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये सब चीजें निकलती रहती हैं, एक बार, दो बार, तीन बार. अब हमें खुद नहीं पता हम कितनी बार पूछते हैं क्लियर हुआ कि नहीं, और एक चीज को हम कितनी बार बोलते हैं, ये हमारे बस में नहीं है. ठीक है, तो पेशेंस रखिए और पढ़ने की कोशिश करिए. ये सब सारे टीचर का अपना अलग अलग होता है कि वो कैसे पढ़ाते हैं. कोई टीचर हुआ बस रीड करते हुए निकल गया, कोई हुआ कि वो चाहता है कि आप दो थोड़ा चीजें आपके दिमाग में घुसे. अभी बताइए, प्रीडेशियस फंजाई चार है, है ना, क्लियर है ना. डेक्टाइलेला, डेक्टाइलेरिया, आर्थोबॉट्रिस और जूफेगस. ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई ना. चलिए आगे देखिए. अब थोड़ा सा हम फंजाई में, यहां तक हम लोगों ने देख लिया था, हैबिटेट देख लिया था. अब हम देखते हैं फंजाई का जो थैलस होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. फंजाई में थैलस स्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट होता है. आपको बताया था फंजाई में जो नेट, मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हाइफा कहते हैं. क्या कहते हैं, हाइफा. और उसके नेटवर्क को क्या कहते हैं,
हाइफा के नेटवर्क को माइसीलियम कहते हैं. क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं. तो कुल मिला के फंजाई की बॉडी माइसीलियम से बनी होती है. फंजाई की बॉडी माइसीलियम से बनी होती है. ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखिए यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा. थैलस स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो विदाउट माइसीलियम होते हैं, मतलब उनकी बॉडी माइसीलियम होता ही नहीं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सेप्शन है, तो तुरंत याद होना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सेप्शन है तो तुरंत याद होना चाहिए. नॉन माइसीलियल फंजाई, आपसे पूछ दिया नॉन माइसीलियल फंजाई, मतलब जिनकी बॉडी में माइसीलियम होता ही नहीं, एक्चुअली में वो यूनिसेलुलर होते हैं. कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर. और यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट, यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट, मतलब कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिनकी बॉडी में माइसीलियम नहीं है और वो यूनिसेलुलर, एक ही सेल के बने होते हैं, एक ही सेल के बने होते हैं, एक ही सेल और एक न्यूक्लियस के बने होते हैं, एक ही सेल और मेनी न्यूक्लियस के बने होते हैं. ठीक, तो ये जैसे ईस्ट हो गया, सैक्रोमाइसीज, सैक्रोमाइसीज इसका एग्जांपल है. ईस्ट, ईस्ट यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट है. सिनकाइट्रियम हो गया, सिनकाइट्रियम भी यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट नॉन माइसीलियल फंजाई. यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट नॉन माइसीलियल फंजाई है. ठीक है, ओके. इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है? यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट नॉन माइसीलियल फंजाई में स्लाइम मोल्ड्स आ जाते हैं. स्लाइम मोल्ड्स आपके मिक्सोमाइसिटीज में आते हैं. किसमें आते हैं? मिक्सोमाइसिटीज के मेंबर है, मिक्सोमाइसिटीज में आते हैं. तो देखिए कुछ, अब फंजाई को हमने क्लासिफाई किया माइसीलियल फॉर्म और नॉन माइस, मतलब माइसीलियल फॉर्म, नॉन माइसीलियल फॉर्म, जिसमें माइसीलियम नहीं होता. वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं. कोई आपसे पूछे यू नॉन माइसीलियल फंजाई, तो ईस्ट है, सिनकाइट्रियम है, स्लाइम मोल्ड है. और मोस्टली कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर माइसीलियल फॉर्म होते हैं, मल्टीसेलुलर माइसीलियल होते हैं. क्लियर? ठीक, मल्टीन्यूक्लिएट को सीनोसिटिक कहते हैं. हाँ भाई, मल्टीन्यूक्लिएट को और क्या कहते हैं? सीनोसिटिक कहते हैं, सीनोसिटिक कहते हैं, सिनसाइशियम कहते हैं. इन सब में अंतर भी है लेकिन अभी हम यहाँ नहीं बताएंगे. तो आप देखिए यहाँ पे, और मोस्ट ऑफ फंजाई कैसे होते हैं? माइसीलियल फॉर्म प्रेजेंट होता है, मतलब माइसीलिया के बने होते हैं. ठीक, तो आपसे कोई पूछे कि नॉन माइसीलियल फंजाई, तो आपको तुरंत से समझ आना चाहिए यूनिसेल, जितनी भी यूनिसेलर फंजाई हैं वो नॉन माइसीलियल हैं. यूनिसेलर में आपके ईस्ट है, सिनकाइट्रियम है, स्लाइम मोल्ड है. क्लियर? बाकी सारे के सारे फंजाई की बॉडी माइसीलियम, मतलब हाइफी से बनी होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफा कहते हैं, हाइफा के नेटवर्क को माइसीलियम कहते हैं. क्लियर है ना यहाँ तक? क्लियर, चलिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. आगे चले, आगे चले. अब देखिए, एकदम अटेंटिव होना है. दिस स्लाइड इज वेरी 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 आईएमपी, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. माइसीलियम अगर है तो माइसीलियम दो तरीके का हो सकता है, माइसीलियम एसेप्टेट, माइसीलियम सेप्टेट. मतलब जो माइसीलियम है, मान लीजिए ये माइसीलियम है फंजाई में, माइसीलियम एसेप्टेट, मतलब इसमें कहीं सेप्टा नहीं है, कहीं भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है. और माइसीलियम है तो माइसीलियम में सेप्टा प्रेजेंट हो सकता है, खंड प्रेजेंट हो सकते हैं. माइसीलियम एसेप्टेट, माइसीलियम एसेप्टेट ये है, देखिए ये पूरा माइसीलियम हमने बनाया है, कहीं सेप्टा दिख रहा है बीच में आपको? नहीं. और ये जनरली मल्टी न्यूक्लिएट या सीनोसिटिक होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इस माइसीलियम में, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इस माइसीलियम में. तो फंजाई का कौन सा क्लास इसमें आता है? फाइकोमाइसिटीज के सारे मेंबर्स इसमें आ जाते हैं. आपको पता है फंजाई में हम लोगों को फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और क्या पढ़ना है? ड्यूटेरोमाइसिटीज, इतना पढ़ना है ना. तो फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो, चार पढ़ना है. तो आपसे कभी पूछा जाए एसेप्टेट माइसीलियम का एग्जाम्पल, तो आपको आना चाहिए फाइकोमाइसिटीज के माइसीलियम में कोई सेप्टा नहीं होता, इसलिए ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. कैसे? मल्टी न्यूक्लिएटेड या सीनोसिटिक होते हैं. क्लियर यहां तक?
यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब माइसीलियम सेप्टेट हो, ठीक, माइसीलियम में सेप्टा प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे भी देखिए दो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम आगे समझाएंगे। अभी जो बताने वाले हैं वो आपकी कॉपी पे नोट होना चाहिए और वो हम कभी भी पूछे तो आपको आना चाहिए। मतलब ये आपको कॉन्सेप्ट तो हम आगे बताएंगे भी, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपको अभी कॉन्सेप्ट हम नहीं बताने जा रहे हैं इसका, लेकिन आपको ये तुरंत याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम पेट क्वेश्चन होता है एग्जाम का। माइसीलियम में अगर सेप्टा प्रेजेंट है, तो मान लीजिए माइसीलियम है और इसमें सेप्टा प्रेजेंट है 1, 2, 3 ऐसे से, तो ये सेप्टा मोनोकैरियोटिक भी हो सकते, मतलब हर सेप्टा में केवल एक न्यूक्लियस, और ये सेप्टा डाइकैरियोटिक भी हो सकते हैं, हर सेप्टा में 2-2 न्यूक्लियस, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 ऐसे। तो हमने क्या लिखा, मोनोकैरियोटिक सेप्टा, डाइकैरियोटिक सेप्टा। तो मोनोकैरियोटिक सेप्टा का मतलब हर एक सेप्टा में केवल एक न्यूक्लियस, डाइकैरियोटिक का मतलब हर सेप्टा में 2 न्यूक्लियस, और इस प्रोसेस को डाइकैरियोटाइजेशन कहते हैं। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, तो जहां पे 2 न्यूक्लियस है उस प्रोसेस को डाइकैरियोटाइजेशन कहते हैं, एंड दिस इज द फीचर ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। किसका फीचर है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियोटाइजेशन जैसी प्रोसेस होती है, वेरी वेरी आईएमपी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डाइकैरियोटाइजेशन कहां होता है, तो आप एबीडी याद रख लीजिए। क्या याद रखेंगे, एबीडी, एबी डी विलियर्स, ठीक है, बहुत अच्छे क्रिकेटर थे और हमें अच्छे भी लगते थे बहुत, मतलब हालांकि इंडिया के नहीं थे फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, एबीडी है ना, एबी डी विलियर्स। तो एस्को बेसिडियो में डाइकैरियोटाइजेशन होता है, एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियोटाइजेशन होता है, ठीक, क्लियर है यहां तक। यहां तक क्लियर है, बताइए एक बार, विशाल, हाँ बिल्कुल, अरे आपको बहुत नॉलेज है भाई, बेसिडियल स्पोर्स बनते हैं, बताएंगे आगे चल के, क्यों परेशान हो रहे हो। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत, तो दो क्वेश्चन यहां से बनता है। पहला, सिनोसिटिक माइसीलियम, सिनोसिटिक का मतलब मल्टी न्यूक्लियट, तो सिनोसिटिक पूछे या सिनोसिटिक पूछे या उसके बाद आपसे क्या पूछे, मल्टी ये एसेप्टेट पूछे तो आपका फाइकोमाइसिटी जाना चाहिए, और आपको डाइकैरियोटाइजेशन पूछे तो एबीडी याद रखना है, एस्को बेसिडियो, डी से ड्यूटेरो मत याद रख लेना, डी से डाइकैरियोटाइजेशन, ठीक, डी से क्या है, डाइकैरियोटाइजेशन, क्लियर, ओके। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट है, रट्टा होना चाहिए। अब ये जो सेप्टा, बीच बीच में आप सेप्टा देख रहे थे ना, वो सेप्टा भी कई तरीके के होते हैं। ये जो सेप्टा आपने बीच बीच में देखा, ऐसे मान लीजिए ये सेप्टा, ठीक, ये सेप्टा कई तरीके का होता है। पहला तो ये कि सेप्टा एबसेंट हो, भाई सेप्टा हो ही ना, तो ये तो फाइकोमाइसिटीज अभी हमने देखा, सेप्टा है ही नहीं, फाइकोमाइसिटीज है, ठीक। दूसरा ये है कि सेप्टा तीन तरीके के होते हैं, सॉलिड सेप्टा, सेप्टा विद सिंपल पोर, और डोली पोर सेप्टा। भाई ये तो बता दें आपको कि ये तो एग्जामिनर का एकदम पूरा पैट क्वेश्चन है, डोली पोर सेप्टा, और एग्जाम में क्वेश्चन अभी आया भी था, ठीक, डाइकैरियोटाइजेशन, डोली पोर सेप्टा, ये सब ब्लैक्सली, हेट्रोथेलिज्म, ठीक है, रस्ट, ये सब एकदम रटे से क्वेश्चन है। अगर हमें ये पूरा पूरा चैप्टर ना भी पढ़ाना हो तब भी हम 10-20 क्वेश्चन तो फंजाई के ऐसे बता सकते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में एकदम इंपॉर्टेंट है। तो आप समझिए, समझिए इस बात को कि सेप्टा तीन तरीके के होते हैं, मतलब सेप्टा प्रेजेंट हो सकता है, सेप्टा एब्सेंट, सेप्टा एब्सेंट किस में है, फाइकोमाइसिटीज में, प्रेजेंट है तो ये तीन तरीके का होता है, एक सॉलिड सेप्टा मतलब बिल्कुल सॉलिड, बीच में कहीं कोई दिक्कत नहीं, सॉलिड एकदम, ये होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज का सेप्टा, ड्यूटेरोमाइसिटीज में सॉलिड सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। सेप्टा विद सिंपल पोर मतलब सेप्टा है तो बीच बीच में छोटा छोटा पोर है, सिंपल पोर, कोई ताम झाम नहीं, सिंपल पोर, ये एस्कोमाइसिटीज में होता है भाई, किस में होता है, एस्कोमाइसिटीज। और डोली पोर सेप्टा मतलब सेप्टा जो है ना, सेप्टा में इस तरीके से बैरल शेप्ड सेप्टा होता है, ऐसे 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 बैरल शेप्ड सेप्टा होता है, कैसा, बैरल शेप्ड सेप्टा होता है,
तो इस तरीके के सेप्टा को हम डोलीपोर सेप्टा कहते हैं। कैसे कहते हैं? डोलीपोर सेप्टा, डोलीपोर सेप्टा कहते हैं। याद रखना, याद रखना, बिल्कुल ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन एग्जामिनर का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। डोलीपोर सेप्टा बैसिडियोमाइसिटिस का एग्जाम्पल है, ठीक। बैसिडियोमाइसिटिस में डोलीपोर सेप्टा पाया जाता है। और जो ये डोलीपोर सेप्टा है, डोलीपोर सेप्टा है, उसको ध्यान से देखिए, इनको एक कैप लाइक मेम्ब्रेन ऐसे सराउंड की रहती है। इस मेम्ब्रेन को पार्थिनोस्पोर कहते हैं, सॉरी पार्थिनोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिनोजोम। वेरी वेरी आईएमपी, क्या लिखा हमने? वेरी वेरी आईएमपी। व्हाट इज द पार्थिनोजोम? जो डोलीपोर सेप्टा को सराउंड करने वाली जो मेम्ब्रेन है उसको पार्थिनोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिनोजोम। तो डाइकैरियोटाइजेशन एबीडी, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, डी फॉर डाइकैरियोटाइजेशन। बेसिडियोमाइसिटिस में डोलीपोर सेप्टा होते हैं, बेसिडियोमाइसिटिस में डोलीपोर सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? यहां तक तो क्लियर हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे बंद करते हैं। और अब थोड़ा सा ही बचा था कुछ, लाइक ये बचा था फंगल हाइफी के मॉडिफिकेशन, इसको हम अगले क्लास में करा देंगे। तो आज की क्लास को बस यहीं पे बंद करते हैं एकदम, और कुछ दो मिनट आपसे कुछ बात करेंगे। बात हमें देखिए, हमें आपसे किसी भी तरीके का कोई शिकायत नहीं है, ना हमें आपसे किसी भी तरीके की राय चाहिए, है ना। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी बात ये है, जैसे जो यहाँ पे बहुत मतलब कुछ लोग हैं सजेशन देने वाले, लाइक हमें पता है कि वो हमारी क्लास के स्टूडेंट नहीं हैं, और हमें ये भी बात पता है कि हमारी क्लास के स्टूडेंट कितने सीरियस हैं, कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं। बाकी आपको अपना काम करता है, बस तुम करना है। थोड़ा सा हमें डिस्टर्बेंस क्या होती है कि हम बार बार इस पर देखते रहते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे, जैसे अभी एकदम स्टार्टिंग में किसी स्टूडेंट ने बताया कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या टीजीटी पीजीटी में। भाई तुम किस ग्रह से आए हो, क्या पता है कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? बेस ही नहीं क्लियर रहेगा तो ऐसे भी हवा में पढ़ा देने से तैयार हो जाएगा क्या, है ना? हवा में पढ़ाने से तैयार थोड़े हो जाएगा। और उसके बाद जो है, कल से या कल, अभी हमने बताया ना कि कल हो सकता है एक लास्ट क्लास आपकी यूट्यूब पे हो, उसके बाद से आपकी क्लासेस पूरा कंटिन्यू हो जाएंगी। किस पे? एप्लीकेशन पे। और उस आपको अपना काम करना है। हम जैसे पढ़ा रहे हैं हम वैसे की, क्योंकि देखो आपको एक एक कोटेशन बता दें, आपको हमें हमारे तरीके से एक्सेप्ट करो। अगर हम आप हमें हमारे तरीके से एक्सेप्ट करोगे तभी ये रिलेशन चल पाएगा। अदरवाइज हमको बदल के आप यहाँ पे जो है ना वो हमसे नहीं पढ़ा पाएगा हमको। आप कहोगे कि मैम एक चीज़ को एक ही बार बताइए, दोबारा रिपीट मत करिए, कितना कैसे हो सकता है? ये सब तो हम नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। बाकी आपको अगर अच्छा लगता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। और बाकी आपने कहा था वायरसेस का क्वेश्चन करना, बिल्कुल आज कल करा देंगे वायरसेस का क्वेश्चन। कल कुछ क्वेश्चन हम उसको एप्लीकेशन पे पीडीएफ ही पूरा अपलोड करते हैं, आप अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक और चीज़, जैसे आज दो तीन लोगों ने, अभी हमारी दो तीन बात सुन लीजिए क्योंकि इसमें सारे पेड क्लास के स्टूडेंट, तो हम एक बात बता दें। दो तीन स्टूडेंट क्या मतलब, सुबह से सारे टेक्निकल टीम को एकदम, मतलब आप कह सकते हो सपोर्ट टीम को बार बार कॉल जा रहा था, पीडीएफ निकलो, पीडीएफ कहाँ है, पीडीएफ कहाँ है, पीडीएफ कहाँ है। पहली बात तो हम बता दें, हमने इतनी सारी फैसिलिटी आपको दी है, पीडीएफ लिख के दे रहे हैं आपको, बस पढ़ना है। ए टू जेड एक एक पॉइंट आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, आप थोड़ी मोहलत तो देंगे ना हमें। हम पूरी कोशिश करेंगे पीडीएफ पहले अपलोड हो जाए, लेकिन किसी दिन अगर पीडीएफ अपलोड नहीं होता, अच्छा कुछ लोग बहस क्या कर लिए, हमने पैसा दिया है पीडीएफ क्यों नहीं? अरे भाई आपको ऐसा लग रहा है कि आपने गलत जगह पैसा दिया है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप आओ अपने पैसे लेके जाओ, ठीक है ना। तो आप ये जो है ना, इस तरीके की धमकियां मत दिया करिए। आपसे ज़्यादा ख्याल हमें इस चीज़ का है, हमें फीवर था, आई वॉज अनेबल टू सिट प्रॉपरली, फिर भी हमने आपका पीडीएफ लिखा, और लिखने के बाद हमने तुरंत इसको 4 बजे तक, हमने बोला था 4 बजे हमने अपलोड कराया, ठीक 4 बजे तक हमने इसको अपलोड कराया। अगर पीडीएफ अपलोड हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम शाम को मतलब पूरी कोशिश होगी कि पीडीएफ अपलोड हो जाए पहले, लेकिन किसी दिन नहीं हुआ तो उस पर बहस नहीं होनी चाहिए, है ना। किसी तरीके की आप लोग समझदार हो ना, समझ सकते हो कि इतनी बारीकी से चीज़ें हमें लिखना है कि कहीं क्या कोई सेंटेंस मिला आपको, कोई ये रटने पटने वाला सेंटेंस है क्या, पोथा पोथी लिखने वाला कुछ ऐसा है कॉन्सेप्ट? नहीं ना, हर चीज़ हम फ्लो चार्ट से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट विल टेक सम टाइम,
ठीक है, सारी चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेंगी और हमें लिखना है। मान लीजिए अगर हमने हमें टाइम नहीं मिला और एक दिन पीडीएफ नहीं हुआ, तो आप लोग फ़ोन करके इस तरीके की धमकियां कि हमने पैसा दिया है, हमने ये किया है, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप हम आपसे ज़्यादा कॉन्सियस हैं, हम आपके लिए पूरी मेहनत से, मतलब ईमानदारी से मेहनत करते हैं, और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपने कहीं गलत जगह पैसा लगाया है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए, और नहीं, ये हमारा ऐसा नेचर थोड़ा सा है एग्रेसिव टाइप का, हम गुस्सा नहीं, जैसे आपने कहा कि बहुत गुस्सा करती हो मैम आप, तो गुस्सा मतलब ये इस तरीके का कि आप यहाँ पे बहस करो और बातचीत करो और हम यहाँ पढ़ाते रहें, मतलब कुछ तो वैल्यू होती है टीचर की, टीचर पढ़ा रहा है तो सामने वाले को क्या देखना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है। आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे, अपने आप को मतलब अपने आप को आप ये नहीं देख रहे हो कि आप कितने डिसिप्लिन हो, और हमें बता रहे हो कि हम गुस्सा कर रहे हैं। क्या जमाना है भाई, आप अपने डिसिप्लिन को देखिए ना कि आपका क्या, आपके अंदर क्या है, आप हमारे अंदर क्यों बता रहे हो, हमें पता है हम कैसे हैं, ठीक है, हमें ज़रूरत मतलब हमें भाई हम थोड़ा एग्रेसिव होना ज़रूरी भी है, इस तरीके से इतने लोगों को हैंडल नहीं कर पाएंगे हम। चलिए ठीक है, फिर चलते हैं। ओके, ओके, चलिए चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ाई करिए, कल मिलते हैं फिर, ठीक है, गुड नाइट।